मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ये वो ये आपका चश्मा, ये शुक्रिया। गलती से ठोकर लग गई मुझे, वैसे तो बचपन से ही ठोकरे खाता आ रहा हूँ। हाँ मैं, एनीवे आपका तारू? मैं उजाला। गुड फॉर यू। मेरी जिंदगी में तो इतने अंधेरे हैं कि हर उजाला उसमें गुम हो गया। I'm so sorry. आपको कहीं छोड़ दूं अगर आप चाहें तो? भला कौन चाहेगा कि उसको छोड़ दिया जाए। वो क्या खूब कहा है परवीन चाकिर ने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। मैं समझी नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। वो मुझे ये यहाँ पे एडमिन ब्लॉक तक जाना है, क्या वहां तक छोड़ सकती हैं? ये यकीन करें मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं, एहसान की क्या बात है, पहला दिन है यूनिवर्सिटी का और नेकी करने का मौका मिल गया। आप मेरा हाथ। नहीं नहीं, हाथ ना पकड़िए मेरा, लड़कियों का हाथ पकड़ना बहुत मायूब समझता हूँ मैं, मुझसे नहीं होगा ये। तो ये आप ये पकड़ लीजिए। ये क्या, फूल? नहीं, दुपट्टा है मेरा। अच्छा, आपका दुपट्टा है। जी जी, आइए आइए, चलो। इस तरफ, इस तरफ। किस तरफ? इधर इधर। किस तरफ? हाँ, यूं। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, नेक कामों में तकलीफें तो आती हैं। लोगों को। अरे भैया, आपको बाबे से शादी करते हुए शर्म नहीं आई तो हमें क्यों शर्म आएगी? Shut up! Shut up क्यों? इनको तो अपना आइडियल मिल गया है। How lucky she is! बस यार, बहुत मजाक हो गया। मजाक? आप बेहूदगी को मजाक कह रही हैं? शेप को माजूर समझ के इसकी मदद करने की कोशिश की थी और इसने क्या? चीट? मैं चीट? मजबूर? क्या कह रही हूँ, आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। एक लड़की की बेइज्जती करके उसका तमाशा बनाकर बहुत हंसी आ रही है ना, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें। मैं मजाक भी करती हूँ और मजाक को समझती भी हूँ, लेकिन मजाक और तजलील में फर्क होता है। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें किसी की बेइज्जती करने का भी कोई हक नहीं है।
एक चीज और, आइंदा किसी मजबूर की नकल करके किसी से मदद मत लेना, लोगों का नेकी पर से एतबार उठ जाएगा। सुनो, रोना ना शुरू कर देना। देखें, आपने मेहनत तो की है ना, सबने आपके लिए कितनी दुआएं भी मांगी हैं। अब अगर आपकी नौकरी का कुछ नहीं हो रहा तो उसे अल्लाह की रजा समझ लें और ऐसे परेशान ना हो। परेशानी तो होती है ना, 6 महीने हो गए नौकरी की तलाश के लिए, आज उम्मीद थी लेकिन फिर वही नाकामी। जब नाकामी का एक दरवाजा बंद होता है ना, तो अल्लाह कामयाबी के दूसरे दरवाजे भी खोल देता है। यहाँ तो सभी दरवाजे बंद हैं, पता नहीं कब दरवाजा खुलेगा। जब कामयाबी का दरवाजा खुलेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी यही बातें तो मुझे हिम्मत देती हैं। तुम्हें पता, जब भी मैं परेशान होता हूँ ना, तो तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम्हारी बातों में कुछ जादू है कि तमाम गम भूल जाता हूँ मैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई भी मुश्किल जिसका हल हो वो मुश्किल नहीं होती, और जिसका हल ना हो उसे अल्लाह की रजा पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन पता है बहुत मुश्किल काम है, जब गर्मी में जाना पड़ता है ना जॉब के लिए, पता लग जाता। उप्पू मुझे कह दिया करे ना, घर पे तो होता हूँ मैं। मुझे पता है तुम इनकार थोड़ी करोगे। और मरियम, ये तुमने रजा को क्यों गर्मी में खड़ा कर दिया है? क्योंकि अम्मी, मैं खुद इनके लिए खड़े होके गर्मी में पकौड़े बना रही हूँ। देखे ना पुप्पो, एक तो मेरी जॉब नहीं लगी, इससे कोई गम नहीं है, पकौड़े खिला रही मुझे। अरे बेटा, कोई मसला नहीं, मिल जाएगी नौकरी तुम्हें, ऐसे परेशान नहीं होते। और यहाँ गर्मी में क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। मरियम, तुम चाय बना कर लेकर आओ। जी, चाय बना कर लेकर आओ। चीजें तो देते जाओ। मुझे बस जाने दो। हरगिज नहीं, मैं फहद की वजह से इतनी अच्छी दोस्त नहीं गवा सकती। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन प्लीज, दोस्ती की कीमत इज्जत नहीं होती कभी भी। उजाला, दोस्ती पे तो माफी मिल सकती है ना, प्लीज। मैं बार बार धोखा खाने की कायल नहीं हूँ, एक बार धोखा खा चुकी अब और नहीं। लेकिन इस बार मैं वाकई सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी उजाला। देखो, मैं दिल पे ये बोझ लेके नहीं जी सकता कि मेरी वजह से तुम यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही हो। प्लीज यूनिवर्सिटी छोड़ के मत जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी उजाला, प्लीज मुझे माफ कर दो। सबको फूल बनाने वाला खुद ही फूल बन गया। अब पता चला मिस्टर फहद, रैगिंग किसको कहते हैं? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्लान था। मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आई कि उजाला जा रही है। देखो मेरा तीर कैसे निशाने पे लगा है। That's great. अच्छी बात। लेकिन इस दफा मैंने वाकई सच्चे दिल से माफी मांग ली तुमसे। वाकई? लेकिन इसकी वजह? कुछ चीजों की वजह नहीं होती, बस ऐसे ही दिल मजबूर कर देते। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खाना खाने, भूख लग रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपके इस नाचीज से दोस्त ने कैसा जबरदस्त इंतजाम कर दिया आप लोगों की भूख का। क्या मतलब? मजेदार सा पिज्जा फॉर माय न्यू फ्रेंड। अरे वाह, थैंक यू। अरे अरे, फॉर माय न्यू फ्रेंड, मुगलिया दौर की फ्रेंड के लिए। हाउ मीन यू आर, देख रही हो जाना? हाँ हाँ, देख रही है वो, कि इसी के लिए पिज्जा लेकर आया हूँ। किस खुशी में? भैया नए नए दोस्त बने हैं इस खुशी में। आप फैसले कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर लेते? अच्छे फैसले जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा होता है। दुआ कहाँ है? दुआ चंद दिनों के लिए इस्लामाबाद गई हुई, आ जाएगी वापस। बहुत ही तो अच्छा होता। खैर, दुआ की दुआ हम सबके साथ है, डब्बा खोलते हैं। हेलो, तुम किस चक्कर में मेहमान बन रही हो? कहा तो है उजाला के लिए लेकर आया हूँ।
मेरी बात सुने, उजाला मेरी दोस्त है और वो मेरे बिना एक बाइट भी नहीं खाएगी। अच्छा चलो देखते हैं। वाह बहुत मजे का, मैंने बहुत दफा खाया हुआ। सॉरी भूख बहुत ज्यादा लगी है। उजाला नाराज नहीं होना, तुम्हारे बगैर एक निवाला नहीं खाऊंगी, तुम खाओ। अच्छा दोनों खाते हैं, पहले तुम खाओ। बड़ी दोस्ती है तुम दोनों की आपस में, मेडिकल कॉलेज में आने से पहले। वैसे यार पिज्जा वाकई बहुत मजे का था, अभी तक टेस्ट आ रहा है। तुआ तुम इस्लामाबाद नहीं गई? बात बताए थे तुम इस्लामाबाद गई भी हो। अरे मैं कोई ब्यूरोक्रेट थोड़ी हूँ जो इस्लामाबाद जाऊंगी, मैं तो सुबह से यही हूँ। लेकिन फहद ने तो कहा था तुम इस्लामाबाद गई हो कल रात से। हाँ तुम फिर आ गई फहद के चक्कर में, वो तो दिन में जब तक किसी की क्लास ना ले ले उसको सुकून नहीं मिलता। यानी तुम आज फिर बेवकूफ बन गई। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों आज उसका बेवकूफ बनाना बुरा नहीं लगा। हैरत है कि नया इंकशाफ किया है तुमने। कोई बात नहीं, दोस्ती में सब चलता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक सेकेंड है मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी भाई का फोन है। अशर का फोन आया। अस्सलाम वालेकुम मीजा। वालेकुम सलाम बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम अपना ख्याल रखा कर। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। बेटा तुम पाकिस्तान आ जाओ, बहुत अच्छी लड़कियां देखी है मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझे अरूज से ज्यादा अच्छी कोई नहीं लगती। अमीजान फिलहाल तो अपनी इमिग्रेशन के लिए भागदौड़ कर रहा हूं मैं, मुझे पाकिस्तान से दिलचस्पी है मगर शायद किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ एडजस्ट ना कर सकूं। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अमीजान मैंने यहां पे एक लड़की से निकाह कर लिया, आपके आने का इंतजार करूं ताकि शादी कर सकूं। क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ जारा? जारा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? पता नहीं मामू, क्या हुआ है कुछ तो बताएं। जारा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे कुछ बोलो तो सही। पता नहीं मामू, अशर का फोन आया था और उसके बाद। क्या हुआ, अशर ठीक तो है ना? अशर ने वहां एक लड़की से निकाह कर। निकाह? मैं कुछ कहूंगी ना तो फिर बुरी बनूंगी। हर वक्त इस घर में जारा 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 यही होता रहता था। कुछ पका लिया तो उधर दे आओ, कुछ अच्छा खाने लगे तो पहले जारा को भेजो। ईद शबरात गर्मी सर्दी क्या कुछ नहीं निभाया और ये सिला दिया उसने हमें। तुम्हें बताया तो है ग्रीन कार्ड का चक्कर है। आप बेवकूफ बन सकते हैं समीउल्लाह साहब, मैं नहीं। निकाह निकाह होता है, मर्जी से हो या फिर मजबूरी से। खानदान में एक ही एक लड़का था, ये उसने भी अपनी मर्जी कर ली, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? जारा बेचारी पहले ही बहुत परेशान। परेशान? अरे परेशान तो हम हैं, ख्वाब तो हमारे टूटे हैं। अशर का निकाह कोई मामूली बात नहीं है समीउल्लाह साहब।
वक्त निकल रहा है भाई, जल्दी करो। इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बाबा जी ने कहा था कि जब सूरज सवा नेजे पर आ जाए तो इस अंडे को रेत में दबाना, गर्म रेत में। दिखाएं। इधर दो ना, अबू आने वाले हैं, जल्दी से ये काम करें। इधर आके तुम बैठो और खुद अपने हाथों से इस अंडे को गर्म रेत में दबाओ। जी। अब जो भी तुम्हारी मुराद है ना, दिली दिल में बोलो। अम्मी मैं भी बोल दूं? चुप रहो तुम। चलो शाबाश। ये आवाज आई है ना अंडा फूटने की? जी आई है। अब देखना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रिश्ता आएगा मेरी बच्ची के लिए। 10 दिनों में तो कुछ हुआ नहीं अम्मी। तुमने तावीज पहना हुआ है? नहीं अम्मी, गले में नहीं पहनना था। जब रिश्ते वाले आएंगे तो हाथ में रखूंगी। मेरे तो दिमाग से निकल गया था। ठीक है, देख लेना, चंद दिनों में मेरी बच्ची का बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो मुंह? चलो कपड़े उतारो। अम्मी, सलीमा, सलीमा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई। क्या? हाँ। ना शुक्र, मुंह तो मीठा करवाओ भाई। अब ट्रीट तो बंद। हाँ ट्रीट पक्की। शुक्र है मेरे मौला का, उसने मेरी सारी दुआएं सुनी। मैं ना मीठे चावलों की देख की मन्नत जो मानी हुई थी वो दूंगी और सात बीबियों का मौजा भी पढ़वाऊंगी। जरूर जरूर पढ़वाना। भाई इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगवा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे भी बहुत, जल्दी खाना लगाओ। चलो बहन, हम जरा आपस में मशवरा कर लें। इसमें मशवरा करने वाली कौन सी बात है? आपको हमारा बेटा पसंद है और हमें आपकी बेटी पसंद है। सोचा समझा तो पराए लोगों में जाता है, और हमारी जामन तो रजिया है, इसको सब पता है हमारे बारे में। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी जामन हूँ, मैं सलीमा बहन की भी जामन हूँ। ये भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़े मेरे जाने पहचाने लोग हैं। बस अब आप लोग बिस्मिल्लाह कीजिए। बस जी अभी रिश्ता तय है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप मुझे ये बताएं हम निकाह के लिए कब आएं? निकाह? इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? देखिए हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमने जाना ना होता तो मैं जल्दी ना करती, आपको सोचने का मौका देती। लेकिन आप भी हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। निकाह इसलिए भी जरूरी है कि पेपर्स बनवाने हैं अरुष बेटी को बुलवाने के लिए। देखिए बहन, ये शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत मसाइल होते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमें सोचने का मौका दें, बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी अच्छी तरह सोच लीजिए। मैंने तो सोच समझ के फैसला किया है। फिर भी बहन ये बहुत जल्दी है, देखिए शादी के लिए वक्त दरकार होता है। हमारी तरफ से 5-6 लोग होंगे, सादा सी तकरीब होगी, यकीन जानिए हम आप पर बोझ नहीं डालेंगे। नहीं खैर बोझ वाली तो कोई बात ही नहीं। अकेला इतना इसरार कर रही है, समी साहब आप कुछ तो ख्याल करें। बहुत बहुत मेहरबानी, बस तो तय हुआ इस इतवार को हम निकाह के लिए आ रहे हैं। देखिए बहन आपकी मेहरबानी सर आंखों पे, लेकिन हम इस्तखारे के बगैर निकाह नहीं करते। जरूर कीजिए, हमारी नीयत अच्छी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस्तखारा हमारे हक में होगा। एक दिन में सारी तैयारियां की हैं। अभी जिस चीज पे हाथ रखती थी ना आंटी, वही दिला देती थी। बहुत खुश किस्मत है अरुज, आप ही की खुशी तो उनकी मुट्ठी में थी। आंटी की तस्वीरें काम आ गई। माम मजाक नहीं उड़ाते। छोड़े आप ही, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसके समझ में नहीं आने वाली। मौलवी साहब आ गए। Oh, oh, oh.
मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर अब्बा आ गए तो? अब्बा के आने का वक्त नहीं है जी। भी अगर उन्हें पता चल गया फिर? तुम नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा? चलो हो गया। अरे बाबा जी ने कहा था कि घर में जो सबसे ज्यादा हरा भरा दरख्त होगा ना उसके नीचे ये पुतला दबाना। हाँ ये, हाँ इस दरख्त के नीचे, अरे इसे खोदने के लिए कोई चीज। मम्मी बस जल्दी जल्दी कर लो, कोई देख ना ले। हम बुजुर्गों के हसार में, जब तक मैं ये काम कर रही हूँ ना हमें कोई नहीं देखेगा। तुम्हें तो भाई की कोई फिक्र ही नहीं, ये सब मैं उसी के लिए कर रही हूँ। मैं अपने इकलौते बेटे को कमाना नहीं चाहती। बाबा जी ने कहा था जब मैं ये काम कर रही होंगी ना शैतान बहकाएगा, अजीब और गरीब आवाजें भी आएंगी, लेकिन घबराना मत। यही तो मैं भी समझा रही हूँ। वैसे भी अभी कितने दिन हुए पुतला दबाए हुए। वैसे मैंने पता लगा लिया है, आज हम जिस औरत के पास जाएंगे ना वो हदिया भी नहीं लेती और काम भी सिक्का बंद करती है। अच्छा वाकई में? तुम भी चलना हमारे साथ। हाँ मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे सलीमा वो अभी तक शरबत नहीं लेकर आई। आ जाती है, रोज ले आओ भाई, बना रही होगी। जाओ सब ठीक हो जाएगा। बड़ा चर्चा सुना जी आपका।
यहाँ आओ, प्यार ले लो। ये तुम्हारी छोटी बेटी है ना? मसीहाई की खुशबू आ रही है तुमसे। क्या करती हो? डॉक्टर बन रही है जी। तुम क्यों परेशान हो? मसले मसाइल तो चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये है परेशानी। अस्सलाम वालेकुम, अरूज का वालिद बोल रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? अरूज बेटी कैसी है? देखिए बहन, मुझे आपसे इस वक्त बहुत जरूरी बात करनी। मुझे ये बताइए कि सरमत का पहले भी निकाह हुआ था? देखिए झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइए। जी जी हुआ था, पर लड़की अब नॉर्मल थी, उनने हमें धोखा दिया। फिर जब हमें पता चला तो सरमद ने तलाक दे दी। तो ये रिश्ता तय करने से पहले आपको हमें सच बताना चाहिए था। क्या रजिया ने आपको नहीं बताया? उसे चाहिए था कि आपको बताती, क्योंकि मैंने तो पहले ही सारी बातें उसको बता दी थी। रजिया ही क्यों? आपको ये बात सलीमा से या मुझसे करनी चाहिए थी, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए मैं आपसे माफी ही मांग सकती हूँ। माफी? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और आप माफी की बात कर रही? आपने अच्छा नहीं किया। मैं नहीं मानती कि सरमत का पहले निकाह हुआ होगा। मेरी सरमत की मां से बात हुई है, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो अभी फोन करो, पूछ लो उससे। आपको अकीला ने खुद बताया कि सरमत का निकाह हुआ था? जी, और यही नहीं, लड़की पे इल्जाम भी लगा रहे हैं कि वो लड़की अब नॉर्मल थी। हालांकि जारा कह रही थी कि सरमत का एक हिंदू लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों इकट्ठे रहते हैं, इसलिए लड़की वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया। तो इन सारी बातों का जारा को कैसे पता चला? मसला इस वक्त ये नहीं है कि जारा को इन सब बातों का कैसे पता चला, मसला इस वक्त ये है कि हमारी बेटी दलदल में फंस गई है, उसे कैसे निकालना है। और सिर्फ तुम इसकी जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में फंस गया हूं। मैं तुमसे कहता रहा हूं, उनसे वक्त ले लो, हमें कोई जल्दी नहीं। सारा ने लिखाया पढ़ाया जो जहर उगल रहे हैं आप। हाँ हाँ, जो उसने लिखाया पढ़ाया वो सब सच है। देखो ये बात तो आपकी दिल को लगी है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसा ही है। साहब जी कुछ चाहिए? बहन जी कोई और चीज? माशाल्लाह इतना कुछ आपने पहले टेबल पे रख दिया है, कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। बस ठीक है, तुम जाओ। वैसे मैं सोच रही थी कि बेटियों की कितनी रौनक होती है ना। जी जी जी, बेटों को तो जंगल में छोड़ आना चाहिए, है ना? रौनक भी बेटी, रहमत बेटी, दौलत बेटी, बेटों का कुछ नहीं। जेलस हो रहा है मॉम। बेटे तो माँ के जिगर का टुकड़ा होते हैं। बेटा बेटी कुछ भी नहीं होता, बस माँ कहने वाला हो और जरूर हो। मॉम आपने तो हमें सच में सेंटी कर दिया। देखो बेटा बेटी में फर्क ही क्या रह गया है, तुम भी डॉक्टर बन रही हो और फाद भी डॉक्टर बन रहा है। मेरी बात हो रही थी शायद, मैं आज ही आई हूँ आप सबसे मिलने। कितने दिन के लिए आई हो? जब तक शहजाद चाइना से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यही हूँ। डॉली को क्यों इतनी जल्दी सुला दिया? शुक्र है वो सो गई है, इतना शोर करती है मेरा तो खाना मुश्किल कर देती है। खबरदार जो किसी ने मेरी डॉली को कुछ खा गई। अच्छा इतना है तो खुद ही संभाल लो उसे। एक बेटी नहीं तुमसे संभाली जाती वैसे। इतनी हमदर्दी हो रही है ना, तो यही छोड़ जाऊंगी, संभालना फिर उसे। ना ना,
बेटियां तो घर की रौनक होती है ना। कैसे बात पकड़ी है इसने मेरी। फारजा, मामू ने तो कमाल ही कर दिया, हर चीज से कितनी मोहब्बत और नफासत टपक रही है। आखिर अब्बू किसके हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, अरूज का क्या प्लान बनाया? फिलहाल तो कुछ पता नहीं, तुम बताओ। आशी ने दोबारा रिश्ते की बात तो नहीं की? नहीं, मैंने मना कर दिया। नाराज तो बहुत हुआ होगा वो। नाराज तो वो नहीं हुए, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन पता नहीं मैंने सही किया या गलत। बिल्कुल ठीक किया तुमने, मुझे अब उन्हें पूरा यकीन दिलाया। और वैसे अगर कोई ना माना ना तो मैं भगा के ले जाऊंगा। मैं बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप। हाँ, अब अगर मोहब्बत किया तो मुकम्मल तो करनी होगी ना। भागने से कौन सी मोहब्बत मुकम्मल होती है? हम आने वाले जमाने के लिए नई कहानी भी तो लिख सकते हैं, ताकि आने वाले जमाने के बच्चों को बिगाड़ सके। भाई तुम जो भी कहो, मेरा फैसला अटल है। डू और डाई। चाय बनाने आए थे, चाय बनाते हैं। उरूज, मैं चाहती हूं कि तुम सरमत से बात करो, उससे पूछो कि असल हकीकत क्या है। वाकई अम्मी, आपकी तावीज़ों और दुआओं से रिश्ता तो हो गया, लेकिन अभी तक उनका रवैया मेरे से बहुत अजीब है। मैं रज़िया से बात कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चलो जाओ, भाई के लिए चाय लेकर आओ। उठो। वाह, आज तो मेरा बेटा बड़ा खुश नज़र आ रहा है। जी अम्मी। अच्छा, बहुत देर से आए हो, खैर तो थी ना? अम्मी मैं फूफो की तरफ चला गया था। क्या? जी वो आ गई है, मैं अभी उनको घर ही छोड़कर आया हूँ। सारा आ गई है और मुझसे किसी ने जिक्र भी नहीं किया। सुबह 10 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन घर आने तक 12:30 हो गए। अभी मैं उन्हीं के साथ था, खाना खाया और चाय भी पी है। भाड़ में गई तुम्हारी फूफो और उसकी चाय। अम्मी ये क्या कर रही हैं? अम्मी क्या हुआ है, क्या कर रही हैं? अम्मी ये जरा तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कुछ बताओ तो सही, बोलो ये क्या है तुम्हारे हाथ में? वो भाई, वो हमसाई के बताने पे पता चला कि उसने भाभी को ये पुतला यहां खुद दबाते देखा। भाई मैं इन चीजों को मानती तो नहीं हूं, लेकिन जादू तो बढ़ा है ना। मेरे ना मानने से इनके असरात खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना। कौन है ये? मैं इस शख्स को नहीं जानती, मेरा इस कत्ल से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये तुम्हारे घर के सहन में कैसे मरा पड़ा? मैं आपको बताती हूँ। तुम इस कदर घटिया सोच सकती हो? ये मेरे वहमो गुमान में भी ना। क्या मैंने क्या किया है? ओ, अब समझ में आया, जारा की तरफ गए थे ना। अगर तुम ये सब समझ गई तो फिर बताओ ये सब क्यों किया तुमने?
और कब तुम्हारे जेहन में ये सब शैतानी ख्याल आया? इतने दिनों बाद आई है ना, कोई ना कोई तमाशा तो करेगी वो। इतने दिन अमरीका में पता नहीं कैसे सुकून से बैठी हुई थी वो। बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हारी घटिया सोच का ये सबूत है। और जारा की पड़ोसन ने ये पुतला दबाते हुए तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है उसने। आपके पास क्या सबूत है इस बात का कि ये मैंने की है? आपकी पड़ोसन से बात हुई है क्या? क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? फहद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम? तुम्हें पता है क्या प्रॉब्लम है? कोई जाने ना जाने, तुम तो जानती हो ना कि मेरी मोहब्बत तुमसे कभी कम नहीं हुई। किसी के साथ मजाक करता हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं हर किसी से मोहब्बत करता हूँ। तो उजाला की तरफ इस झुकाव का क्या मतलब है? झुकाव तो मेरा शिराज और विकी की तरफ भी है, और उसका सिर्फ एक मकसद है कि मेरे दोस्त हैं वो। आई डोंट वॉन्ट टू लूज देम एज फ्रेंड्स। और बिल्कुल इसी तरह उजाला भी हमारी फ्रेंड है, एंड आई जस्ट वॉन्ट कि हम उसको हर्ट ना करें। वो फ्रेंड नहीं है, तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। किसी बच्चे के हाथ में दिया हुआ खिलौना नहीं है कि कोई मुझे छीन ले। बी साइलेंट। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ, प्लीज बिलीव मी। झूठ, यही तो मोहब्बत की निशानी है कि सच झूठ लगता है। अच्छा बताओ, कब भेजूँ अपनी मामा को तुम्हारे घर? मजाक कर रहे हो यार? अजीब बंदी हो तुम, सच को मजाक समझ लेती हो, मजाक को सच। क्या चीज हो तुम ऐसे? खैर जो भी चीज हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। फहद, हम लाइब्रेरी में। अच्छा, लाइब्रेरी में कहाँ लिखा हुआ है कि मोहब्बत का इजहार नहीं किया जा सकता? लिखा हुआ है। आई लव यू दुआ, आई लव यू। क्या बदतमीजी है, दफा हो जाए आप यहां से। मैं आ रहा हूं अम्मी अबू के साथ तुम्हारे घर, आई स्वेयर। सर वैसे कह तो सही रहा था मैं, आई रियली लव। आपने तो इतनी तकलीफ की, इतना मजेदार खाना था, मेरी तो साल भर की डाइटिंग खराब हो गई। वो एक्चुअली ना, दुआ को आजकल कुकिंग का बहुत शौक हो रहा है, रोज बड़ी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। इसका मतलब है हमारे मैदे दाव पे लगे हुए, आखिर डॉक्टर्स ने भी तो जिंदा रहना होता है ना। रुबीना जी, आज एक बहुत अहम सिलसिले में बात करने आई हूं मैं। जी वो दुआ ने मुझे आपके आने के बारे में तो बताया था, लेकिन वजह नहीं बताई। हम दोनों की ये ख्वाहिश है कि दुआ को हम आपसे मांग लें। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने ये ख्वाहिश की, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों की एजुकेशन में भी काफी टाइम है, और फिर इनका हाउस जॉब भी तो है ना। हाउस जॉब की तो आप फिक्र ही ना करें। बहन जी, मेरा भी यही ख्याल है कि बच्चों की तालीम पहले मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन अपनी ख्वाहिश का इजहार करना भी तो जरूरी था। आपका शुक्रिया भाई। आंटी, शुक्रिया की बात हम उस वक्त करेंगे जब आप हमें छोटी सी गैदरिंग की इजाजत देंगी। वो बेटा, एक्चुअली गैदरिंग के लिए फिर काफ़ी टाइम और एफर्ट चाहिए होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मुमकिन होगा। अब हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे,
तुम भी कुछ बोल दो। मैं क्या कह सकता हूँ। वो दरअसल मानूर आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि इसके होते हुए एक छोटी सी तकरीब कर लेते हैं, हम घर ही के लोग होंगे। अतिया बेगम, तकरीब को छोड़ो। बहन जी, अगर आप इजाजत दें तो अभी एक छोटी सी रस्म कर देते हैं। अतिया बेगम बेटी को अंगूठी पहना देती है। भाई, आपने तो इनकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी। पहनाओ अंगूठी। लो बेटा, अपना हाथ आगे करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। बहुत मुबारक हो। कल मैंने एक बड़ा जबरदस्त मैजिक शो देखा, उसमें मैजिशियन ने अपनी गर्लफ्रेंड को सामने बिठाया हुआ और ऐसे ऐसे ट्रिक्स कर रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक ट्रिक में से पता क्या किया, अपना हाथ पीछे लेके गया और एकदम से फूल लेके सामने। कैसा लगा मेरा ये ट्रिक? अभी एक और ट्रिक बाकी है। ये देखो, मेरे हाथ खाली हैं। अगर तुम ये बूझ लोगे इसमें क्या है, तो डॉक्टर फहद शाहिद तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाएगा। और अगर ना बता सकी तो फिर तो मेरी हो जाओगी। फिर तो यकीनन इसमें कुछ बहुत खास होगा। तुम्हारे लिए आदो। I love you. क्या ऐसे क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारा साथ? साथ देना हमेशा नहीं, लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या? कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे और ना ही झूठ बोलोगे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में तुम? भाई, अपने पूरे होश हवास के साथ तुम्हें कबूल करता हूं मैडम। ये क्या हरकत है? हरकत? हरकत तो हो चुकी है और सब मुझे इस हरकत पर मुबारकबाद दे रहे हैं। बस तुम रह गई थी तो सोचा खुदा के तुमसे मुबारकबाद ले लूं। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का मेरे पास कोई वक्त नहीं। वक्त? वो तो वाकई तुम्हारे पास नहीं है। तुम हार गई हो जाला, बहुत बुरी तरह हार गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जिसे तुम अपना नसीब समझ रही थी वो मेरा मुकद्दर बन चुका है और मेरे मुकद्दर का नाम है फहद। नहीं समझी? आसान लफ्जों में समझाती हूँ। मेरी और फहद की मंगनी हो गई है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। मुझे फहद से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फहद मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसकी मंगनी हुई भी तो वो मुझसे दोस्ती क्यों करता? मुझे लगता है दुआ झूठ बोल रही है। हाँ चाला, तुम फहद से खुद क्यों नहीं पूछती कि आखिर सच्चाई क्या है? तुम्हें भी तो पता चले, ताकि कल यूनिवर्सिटी जाकर तुम दुआ का मुंह तोड़ सको। अगर फहद ने कहा ये सब कुछ ठीक है, उसकी मंगनी दुआ से हो चुकी है, फिर क्या करूंगी मैं? फिर तुम्हें फौरन उसे छोड़ना होगा।
छोड़ सकती है सरमत भाई को, जबकि सारी दुनिया कहती है कि उनका निकाह हो चुका था, वो किसी औरत के साथ रहते हैं। तो तुम्हारी पेपर की तैयारी हुई कि नहीं? कहाँ यार, क्यों? रात को किताबें निकाल के बैठी कि अभी पढ़ूंगी, इतने में फाहद की कॉल आ गई। फाहद की कॉल आई कब आंख लगी, बातें करते करते पता ही नहीं चला। आहिस्ता बोलो, दुआ सुन लेगी। हाँ तो सुन ले, who cares? डरती वरती नहीं हूँ मैं किसी से। उजाला आ रही है। आती रहे। उजाला तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। मतलब? मतलब ये कि किसी के मंगेतर से रात रात बातें करना शरीफाना हरकत है। मंगेतर? रोजाना बात होती है मेरी उनसे, सब कुछ सच सच बता दिया, कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई है उनकी। वो मंगेतर है मेरा। अरे देखो जरा, जबरदस्ती का मंगेतर बना रही है, पागल। बिहेव योर सेल्फ उजाला, मंगेतर है वो मेरा। सारी सारी रात तो वो मुझसे बात करते हैं, तुम्हारी कहाँ से मंगनी हो गई उससे? पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा यकीन नहीं आ रहा ना, रुक जा, अभी यकीन दिलाती हूँ। रुको, ये देखो देखो देखो, बाहर सिर्फ मेरा है। तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ तो क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? मैं उस वक्त प्रोफेसर साहब के साथ था और बात नहीं कर सकता था। प्रोफेसर के साथ बैठे थे या उजाला से बातें कर रहे थे? ये तुम क्या कह रही हो? हालांकि तुम जानती हो कि उस वक्त मैं मसरूफ होता हूँ। हाँ जानती हूँ कि तुम इतने मसरूफ होते हो कि सारी सारी रात उजाला से मैसेजेस और कॉल्स पे बात करते रहते हो ना। तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो पहले थी, अब नहीं। उजाला ने मुझे आईना दिखा दिया। तुम ये सब क्या कह रही हो? मैंने वो सारे मैसेजेस देख लिए, वो सारी पिक्चर्स जो तुमने उजाला के साथ शेयर की थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा फहद। इनफैक्ट मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की, जिसे ये भी नहीं मालूम कि मोहब्बत किसे कहते हैं। मैं लॉक कर दिया, लॉक। नहीं, नहीं। क्या हुआ है? बाद में ब्लॉक कर दिया है। नहीं, बाद मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता। नहीं, कुछ मसला हुआ होगा, फोन में मसला हुआ होगा, कुछ सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। हेलो, ब्लॉक, मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता। नहीं, ब्लॉक नहीं कर सकता। मेरा नाम महानूर है, मैं फहाद की बहन हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। जी, तुम फहाद के बारे में क्या जानती हो? यही कि फहाद और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। तुम जानती हो उसकी मंगनी हो चुकी है? मेरी फहाद से इस बारे में बात हो चुकी है और वो मुझे बता चुके हैं ये खबर झूठी है। तो अगर तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बता देती, फहाद ने तुमसे झूठ बोला था, और वो इसलिए क्योंकि फहाद और दुआ के दरमियान कमिटमेंट हुई कि वो अपनी एंगेजमेंट को डिक्लेयर नहीं करेंगे। और तुम शायद ये भी नहीं जानती होगी, फहाद दुआ को बहुत मोहब्बत करता है। ये सब झूठ है, फहाद मुझे चाहते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल है उजाला। वो वाकई मुझसे प्यार करते हैं और बस मुझसे। लगता है तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगी। तुम्हें यकीन दिलाने का एक ही तरीका है, रुको। हेलो माई। फहद, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। सच सच बताओ, तुम्हारा और दुआ का क्या ताल्लुक है? पता तो है तुम्हें सब कुछ, फिर क्यों पूछ रही हो? दुआ मोहब्बत है मेरी, मंगेतर है मेरी, मेरी बचपन की दोस्त है। तुम तो अच्छे तरीके से जानती हो हम दोनों कितने करीब, कितना चाहते हैं दूसरे को हम दोनों। और उजाला? उजाला की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो तो कह रही थी कि तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। अगर वो मेरी कर्टसी को मोहब्बत समझ रही है तो ये इसके दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं है। सुन लिया? तुम फहद की कुछ नहीं लगती, कुछ भी नहीं। आपने आप ही के लिए क्या कुछ नहीं किया? यहाँ पे बैठी सारी औरतें इस बात की गवाह हैं। आप जो कहती हैं वो हो जाता। बीबी आप लोग जरा बाहर जाएं। हौसला रखो और सब्र करो, तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करेगा। मुझसे अब सब्र नहीं होता। मैं वाद के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मरने वाली हूँ। मुझसे बात नहीं करता ना, मेरे मैसेजेस का जवाब देता है, मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा करें कि वो फिर से मुझसे बात करने लगे, प्लीज। मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है आपके जादू की ताकत से आज मेरा हो सकता है। और हमें यकीन है कि तुम्हारा गम और तुम्हारे दिल का दर्द फहद को तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। बाज़ औक़ात अमल वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक गम पहुंचा देता है। अब जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अगर चिल्ले काटने पड़े चिल्ले काटूंगी, मैं पाके भी कर लूंगी। एक टांग पे खड़े होने का कहेंगी मैं वो भी करूंगी। बस बात मेरा हो जाए, बात को मेरा कर दे, बात मेरा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। सलीमा को बोलो। जी। Thank you.
आपने तो। ऑल राइट ठीक है ओके। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम बेटा। आइए बेटा, सब कहाँ है? सब बेसुरे अपने कमरे में, और अम्मी भी इधर ही कहीं होंगी। बेटा तुम लड़कियों के पास जाकर बैठो, मैं भाई और भाभी को मिलकर आती हूँ। खूबसूरत लगने का ये मतलब नहीं कि इंसान मगरूर ही हो जाए। बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। किसे क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक कैसी हैं जरा? ठीक है, बैठो। अरे आइए बैठिए। और सब खैर है? रजिया हाँ, जरा आपको कपड़े और गहने दिखाओ। लो अभी दिखाती हूँ, आओ जाला बेटी आओ। ला शाबाश ला, बस इधर ही बिछा दो। ये कपड़े मैंने अपनी बेटी के लिए खुद फैशन डिजाइनर से डिजाइन करवाए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये लीजिए। रजिया चूल्हे भी दिखाओ ना। जी मैं अभी लाई। ये माशाल्लाह, ये लीजिए। ये रजिया, तुमसे किसने कहा था ये सब दिखाने? मैंने कहा था। अब नहीं अकीला बहन, वैसे तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहमी हूँ, मुझे लगता है कि किसी की नजर लग जाएगी। अब उजाला सबको खाने के लिए लेकर चलो, और तुम ये सब चीजें लेकर मेरे कमरे में आओ। जी मैं लाती हूँ, आप लाए आपके लिए। मैं आती हूँ जी, मैं आती हूँ अभी। चले सब गाड़ी के लिए चले, खाना ठंडा हो जाएगा। आजा बेटा आजा, बहुत प्यारी लग रही हो, अच्छा ड्रेस लग रहा है तुम्हारा। आजा आराम से, मैं उठा लेती हूँ। एक मिनट एक मिनट, चलो आजा। बस आज से ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही हुक्म चलेगा, और यही नहीं लंदन में भी सिर्फ तुम ही तुम होगी। शर्म सो गया है, अब तुम मेरे कमरे में चलो, तुम भी तो बहुत थकी होगी ना।
उजाला। उजाला। तुम अमल कर रही थी ना? अगर कर भी रही थी तो क्या हो जाएगा? खबरदार, खबरदार, आज के बाद तुमने अमल करने के बारे में सोचा भी तो। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे कि तुम डॉक्टर बनोगी, डॉक्टर उजाला, और इसको देखो, डॉक्टर नहीं बनने की बजाय जादूगरनी बनने चली है। चलो मेरे साथ। चलो, मुझे नहीं जाना। मैं तुमसे कह रही हूँ चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, मैं कह रही हूँ ना, नहीं जाना मुझे। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चला जाऊँ। क्या जबरदस्त माहौल होता है वहां पे, क्या खूबसूरती है और क्या ही नजारे हैं वहां। बिल्कुल सही, बेहतर तालीम कर फिर वहीं सेटल हो जा, आराम से इज्जत की नौकरी कर, किसी शानदार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरना। अबे गधे, इतनी आला तालीम हासिल करके मैं पेट्रोल पंप जॉब करूंगा वहां? ओ भाई, जैसा वहां माहौल है ना, स्टडीज तो तूने पूरी नहीं करनी, किसी पेट्रोल पंप पर ही काम करेगा ना। आप यहाँ पर बैठे हुए, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में आपको ढूंढ रही हूँ। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? इतने दिनों बाद आप यूनिवर्सिटी आए हैं, बहुत सारी बातें करनी है मुझे, इसलिए। कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। मुझे तो आपसे बात करनी है ना। मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मोहब्बत? माय फॉल्ट। सिर्फ और सिर्फ दुआ से मोहब्बत करता हूँ, समझे? दुआ और मेरी मोहब्बत का क्या मुकाबला है? वो मेरे जितनी मोहब्बत कभी कर ही नहीं सकती। तुम एक इंतहाई बेवकूफ लड़की हो, मेरी दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठी हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हें ना कोई इंटरेस्ट था, ना है और ना ही कभी होगा। अगर तुमने दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाऊंगा जिसका तुम सब्र भी नहीं कर सकते। Now get lost. आइंदा उजाला आपको कभी नजर भी नहीं आएगी। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म, समझे तुम? क्या खैरियत? अब भी तुम्हें बताने की जरूरत है? दुआ, दुआ मेरी बात सुनो, दुआ। से क्या हुआ यार? कुछ समझ नहीं आ रही। आग देवता मेहरबानी कर, दूर इसकी परेशानी कर, छोड़ कर आई है दुनिया सारी, मेहरबानी आसमानी कर,
दोहराती रहो उजाला। आग देवता मेहरबानी का, दूर मेरी परेशानी का, छोड़ के आई हूँ दुनिया। अजीब बंदी है, इसको बात समझ ही नहीं आती है। हम दुआ और फहद का निकाह करते थे। क्या? नहीं, मुझे तो अतिया की इस तजवीज से कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, लेकिन इससे दुआ की पढ़ाई में काफी हर्ज होगा अगर निकाह जल्दी कर दिया हमने तो। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होगी। बेटा तुम डॉक्टर बन रहे हो और वो भी इसी प्रोफेशन से है, तुम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझोगे। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं फील करती हूँ कि मुझे दुआ की राय भी मालूम कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट बच्चों पे हम अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना। करनी भी नहीं चाहिए, बच्चे समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। और वैसे भी ये इनकी जिंदगी का मसला है, इन्हें खुद ही हल करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आज ही दुआ से बात करती हूँ। इम्पॉसिबल, मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती, इस पर मेरा यकीन ही नहीं है। दुआ, देखो अतिया ठीक कह रही है, एक दफा शादी हो लेने दो, तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। शादी के बाद एहसास जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। आई एम सॉरी, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इंसान हेल्पलेस हो जाए और इंतजार करता रहे कि उसका लाइफ पार्टनर कब उसकी तरफ तवज्जो दे और कब नहीं। दुआ, अगर फहद को ठीक होना है तो शादी से पहले होना होगा। मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ये रिस्क क्यों लूं? ये भी तो हो सकता है, बस सच में उजाला को पसंद करता हूँ। अरे रजा, मुबारक हो। किस बात की? मरियम की बात तय हो गई। हम मैं कुछ कहूंगी ना तो बुरी बनूंगी। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि मैंने रजा की बात तय कर दी है। वो तो जैसे इंतजार में बैठी थी, तो फौरन ही उसने मरियम की मिठाई भेज दी। रजा, रजा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, तबीयत ठीक है। आप अंदर आए ना। हाँ।
I'm sorry, मैं इस तरह बगैर बताए चला आया यहाँ पे. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. और मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे. तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं आऊँ? मुझे अपनी मोहब्बत से की हुई दुआ पर यकीन था. मतलब? आपको क्या लगता है, आप यहाँ खुद से आए हैं? आपको मेरी मोहब्बत खींच कर लाई है? उजाला, मैंने यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, इतनी इंसल्ट की, और तुम होगी वहीं की वहीं अटकी हुई अभी. मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहती है ना. मोहब्बत, ये मोहब्बत होती क्या है बाय द वे? मोहब्बत ये होती है कि आप आज यहां पर खड़े. मैं इसलिए यहाँ पर आया था कि उस दिन यूनिवर्सिटी में तुम गुस्से में जो कुछ कह के गई थी, मुझे डर था कि तुम कोई गलत कदम ना उठा लो. अगर आप आज यहाँ ना आते ना तो मैं उठा लेती. यार तुम अजीब लड़की हो, मतलब बहुत अजीब हो. मुझे आपकी मोहब्बत ने अजीब कर दिया है. मैं अजीब नहीं थी, मैं भी आम लड़कियों जैसी थी, लेकिन आपकी मोहब्बत पता नहीं क्यों इतनी अजीब हो गई. मैंने तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी. देखेंगे भी नहीं. मेरा मतलब है मेरे जैसा इतना ज्यादा कोई प्यार करेगी तब देखेंगे ना. अच्छा चलता हूँ, अपना ख्याल रखना. अगर मैं कहूँ आप यहाँ से ना जाए तो? नहीं, जाना तो है ना. मैं दुआ करूंगी आप कभी ना जाने के लिए मेरे पास आ जाए. मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आई ना, तू ही रूबरू. तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो. मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो. मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो. रहे आँखों में तू ही सार में, रहे आँखों में तू ही सार में. कोई कौन है? अंदर आओ. नहीं, अकेला हूं इसलिए अंदर नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि भप्पो ने कहा है कि वो तुम्हारी शादी तय कर रही है, इसलिए यहां मेरा अकेला आना ठीक नहीं. मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी मोहब्बत में अंधा था. मैंने कभी सोचा ही कि मेरा किसी गैर मुल्की अमीर शख्स से मुकाबला होगा तो वो जीत जाएगा. मैं तो यही समझता रहा कि मोहब्बत जीतती है. कैसी बातें कर रहे हो रजा? वही जो सच है, वही जो तुम सुन रही हो. अमेरिका जाने की ख्वाहिश में तुमने मेरे अरमानों से खेला. मेरा दिल तो है, लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ा के मुझसे बेवफाई करके सुकून से रह पाओ? नहीं, तुम्हारी भूल है ये. लेकिन मुमानी ने तो कहा था कि वो तुम्हारा रिश्ता तय कर चुकी है. अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अम्मी की बातों को कोट मत करो.
अम्मी ने मंगनी का नहीं कहा था। अम्मी ने कहा था कि अरूज की शादी के बाद वो मेरी शादी का सिलसिला तय करेंगी। ऐसा नहीं है रजा, उन्होंने हमें बकायदा तौर पर लड़की दिखाई थी और बस बहुत हो गया। तुम जाओ अमेरिका, घूमो फिरो, हवाओं में उड़ो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें हमेशा के लिए खुदा हाफिज। रजा, रजा, उजाला। अरे यार थैंक गॉड तुम कॉलेज आ गई, इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें आज देख के। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वैसे मसला क्या हुआ था, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? तुम नहीं समझोगी उजाला, तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का कितना हर जोर है और तुम यूनिवर्सिटी ही नहीं आ रही हो, और तुम्हारी ये शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस बात से कोई टेंशन भी नहीं है। बात बताऊं? मुझे टेंशन नहीं है। उजाला, अरे सो गुड टू सी यू, दैट्स ग्रेट, तुमने कॉलेज आना शुरू कर दिया यार। आपने बुलाया था, कैसे ना आती। तुमने बातें इतनी खतरनाक शुरू कर दी थी, मैं डर गया था, इसीलिए तो तुम्हारे घर चला आया था। सैरिश ने तो तुम्हारा एड्रेस दिया मुझे, क्यों सैरिश? आपी, किसकी कॉल है, खामोश क्यों है? एम्बेसी से कॉल आई है, मेरा वीजा आ गया। क्या वीजा आ गया? अम्मी, अम्मी, आपी का वीजा आ गया। क्या? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अभी अभी कॉल आई है एम्बेसी से। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे अब्बू को बता कर आती हूँ, जिनके वहम ही खत्म नहीं होते, हर वक्त किराए के मकान का ताना देते रहते मुझे। जाओ बेटा, खैरियत से अपने घर जाओ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अम्मी, मैं रोज आपसे स्काइप पर बात करूंगी। शुक्र है आजकल इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, दूरियों का एहसास नहीं होता। अच्छा सामान रख दिया है ना सारा? जी अम्मी सामान रख दिया, बस ये बैग रह गया। अच्छा अच्छा, आप ही वहाँ जाके ना रोज बात किया लीजिएगा हमसे। वैसे भी वहाँ पे पाकिस्तान की तरह ना खाने बनाने पड़ते हैं ना कपड़े धोने पड़ते हैं, फुर्सत ही फुर्सत होती है वहाँ पर। बेटा तुमने अकीला का घर के कामों में हाथ बटाना है, मैंने सुना है कि वहाँ तो नौकर बड़े महंगे मिलते हैं। क्या बातें शुरू कर दी हैं तुमने, मैं बैग रख के आता हूँ। अच्छा आप भी मेरी बात सुने, आप सैर पे तो जाएंगी ना, जब भी लंदन ब्रिज जाए ना तो वीडियोस बनाइएगा और पिक्चर्स भी लीजिएगा और मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो बेटा देर हो रही है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को लेके नहीं मान रहे और तुम्हारे घर आके रिश्ता मानूं तो तुम्हारे अम्मी भी मान जाएंगे? शायद नहीं। फिर तो हमारा मिलन नहीं हो सकता। मैंने ये कब कहा कि हमारा मिलन नहीं हो सकता? ये घर वाले नहीं मान रहे लेकिन मैं तो मानी हुई हूँ। लेकिन
तुम्हारे राजी होने से क्या होगा ज्यादा? हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कितना एतबार करती हो मुझ पर? कोई किसी पर जितना आंखें बंद करके करता है ना, मैं उतना एतबार करती हूँ। कोर्ट मैरिज के लिए तैयार है? कब? अगले हफ्ते। मैं इंतजार करूँ। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों के दरमियान हमेशा मोहब्बत सलामत रखे और आप दोनों एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करें। आमीन। आमीन। थैंक यू। चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई आई मौलवी साहब, कुर्सी रखो बेटा, बैठिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम बेटा, बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। कबूल है बेटा? मरियम बोलो बेटा। मरियम, मरियम बेटा बोलो। मरियम, मरियम बोलो बेटा, 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 बोलो बेटा। मरियम क्या हुआ? मरियम, 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 होश में आओ बेटा। चलो बेटा। आप मेरी बात तो सुने बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो कमजोर हो गई है बच्ची। बुखार की वजह से कमजोरी हो जाती है ना, इस तरह छोड़कर मत जा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मिन्नत करता हूँ बहन जी। देखिए भाई साहब, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप पहले बच्ची का इलाज करवाएं फिर शादी। आंटी प्लीज रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। आंटी प्लीज रुक जाइए, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। आंटी
वही हुआ जिसका डर था। बारात वापस चली। समी साहब, आपको एक मशवरा दूं अगर आप बुराना मनाएं तो। जी फरमाइए मौलवी साहब। मरियम आपकी सगी और इकलौती भांजी है, आप उसका निकाह रजा के साथ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो, कहाँ तुम? मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी। बस वो फोन का पता ही नहीं चला। अच्छा, यानी कि तुम्हें मेरे फोन का इंतजार भी नहीं रहता। ऐसी बात नहीं है, बस घर में परेशानी बनी हुई है। कल मिलेंगे तो बताऊंगी आपको। ओके, बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हे, बताए। फोन पे नहीं बताऊंगा, कल मिलोगी तो बताऊंगा तुम्हें। फिल वक्त तो तुम सो जाओ, अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, ऐसे ख्वाब जिसमें मैं और तुम हमेशा हमेशा साथ रहे। गुड नाइट। ओके बाय। कहाँ ले आए हैं आप मुझे? तुम हमेशा कहती थी ना तुम्हें अपना घर चाहिए, लेके तो मैं तुम्हें अपने घर जाना चाहता था, लेकिन फिल वक्त इस किराए के घर को ही अपना घर सब। आंखें नहीं खोलनी तुमने? कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा आंखें खोलो। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैं जो दिन कहूं तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूं तो
मेरे तुम्हारे ख्वाबों का घर। तुमने मुझे जीत ही लिया, अपनी चाहत से, अपनी दीवानगी से। मेरी मुंह दिखाई? मुंह दिखाई? पहले अपना मुंह तो दिखाओ, फिर दूंगा ना मुंह दिखाई। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है। क्या है ये? क्या जवाब देंगी आप? अपने वालदैन को क्या कहेंगे? खामोशी इस मसले का हल नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलिए चलिए आउट। डॉक्टर फौजिया जी। मैम क्या हुआ? वही जिसका हर माँ बाप को डर हो। क्या मतलब? उजाला इज प्रेग्नेंट। तुम जैसी लड़कियां ही होती हैं जो माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा देती हैं। सैड। आप इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा। एक दिन मैं कॉलेज नहीं गया तो इतनी बड़ी खबर कॉलेज में आम होगी। बेचारी उजाला कितनी परेशान होगी, वो कैसे फेस करेगी सबको। बहुत बड़ी गलती होगी। छाती तो ठीक है लेकिन बच्चा? ओ मेरे खुदाया, ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसकी नजर लग गई है? मानी भी हो? समी साहब आते हैं ना तो मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नहीं चाहिए। माँ सदके जाए, क्या चाहिए मेरी बच्ची को? मुझे चला। क्या हुआ? अरे क्या हो गया आपको? तुम्हें मुबारक हो सलीमा बेगम, तुम्हारी बेटी मां बनने वाली। आज यूनिवर्सिटी वालों ने बुलवाया था मुझे। जब मैं वहां गया तो पता चला ये खुशखबरी मेरा इंतजार कर रही है। उजाला तुम मर क्यों नहीं गई? मौत क्यों नहीं आ गई तुम्हें? अरे इसे क्या मौत आएगी, ये क्यों मरेगी? मरेंगे हम। मैं मरूंगा और तू रोएगी। हमेशा माँ बाप ही खुदकुशियां करते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने देखा। चुप कर। आहिस्ता, कुछ समझेगा।
जुबान बंद करने से क्या होगा सलीमा बेगम? रुसवाई तो बगैर दस्तक के घर में आ गई। आखिर हुआ क्या है बताइए तो सही। बात मैंने तुम पर कभी कोई चेक नहीं रखा, तुम हर तरह से आजाद थे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम जो जी में एक करते फिरो। इस बात का भी ख्याल नहीं रखो कि हमारा सोसाइटी में क्या मुकाम है, माशरे की क्या हदबंदियां हैं। सुबीना ने बताया है कि तुम मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। अच्छा तो ये बात है, आप लोगों ने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। मैं उजाला से कोर्ट मैरिज कर चुका हूं। What? मेरा ख्याल है बगैर कोई तमहीद बांधे बात शुरू करते हैं। समी साहब, आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किस लिए आए, और हम ये भी जानते हैं कि औलाद की बेरहमी के किस्से सुनकर आप लोगों के दिल पे क्या गुजर हो। इसलिए जो हो चुका सो हो चुका, अब बेहतर यही है कि हम मिलकर इस मसले को हल करें। पर अगर आप इजाजत दें तो आइंदा हफ्ते हम सादगी से आके बेटी को रुख्सत करके ले जाएंगे। देखा तो ये दोनों कर ही चुके हैं। जी ये तो आपका बड़ापन है कि आप यहां तशरीफ ले आए, वरना जो हरकत इन बच्चों ने की है वो माफी के काबिल नहीं है। पता नहीं माँ बाप से भूल कहाँ होती है, वो कौन सी कमजोर कड़ी है जो माँ बाप की मोहब्बत की जंजीर भी मजबूत नहीं कर पाती। हालांकि हमने आज तक फहद पर कोई बेजा पाबंदी नहीं लगाई, और आपने भी अपनी बेटी पर नहीं लगाई होगी। ये वक्त ही ऐसे है, पाबंदी को कौन मानता है। हमारी बेबसी का इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज अब्बू और मैं दोनों ही ऑफिस नहीं गए। मोहल्ले में चंद लोगों को कल इनकी खुफिया शादी का पता चल गया था, जिनको आज पता चल जाएगा हमारे शर्म के घर बैठे मारने वालों को हाथ तो रोका जा सकता है, लेकिन कहने वालों की जुबान नहीं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सियाने एक बात कह गए हैं कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन देखो शेर की आंख, वो ठीक क्या कर गए। खैर जो कुछ हो गया उस पर बहस क्या करें, लेकिन ये तय है कि अगले हफ्ते रुखसती के लिए आ रहे हैं। वो कुछ कहें ठीक, अल्लाह मुबारक हो। अल्लाह आपको भी मुबारक करे। तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई, इश्क में काफिर काफिर तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई, इश्क में काफिर काफिर तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं हुई, इश्क में काफिर 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 होई दीन धर्म की खबर न कोई, मैं होई तेरे इश्क में काफिर काफिर मैं होई, इश्क में काफिर काफिर ये
तुम जानती हो मैं एक डॉक्टर हूं, हॉस्पिटल जाती हूँ। हो सकता है जब सुबह तुम सोकर उठो तो मैं तुम्हें घर पर ना मिलूं। ये हमारे खानदानी कंगन है, पहन लेना तुम, चलती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आंटी बहुत रूड है। आंटी नहीं, मामा है तुम्हारी। हाँ, लेकिन इतनी रूड क्यों है? रूड नहीं है, बहुत सॉफ्ट हार्ट। मुझे तो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगी। क्यों, कुछ कहा उन्होंने तुम्हें? ये कंगन देकर गई है, मुझे पहनाए भी नहीं। और कह रही थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाना होता है मुझे, तब तक तुम उठोगी, हो सकता है मैं घर पर ना हूँ। भला ये कोई बात है? तो आज तो शादी हुई है हमारी, थोड़ा तो सेलिब्रेट करना चाहिए था ना। आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं? बहुत खुश हूँ। तो फिर इतने खामोश क्यों हैं? खामोश नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। असल में मामा पापा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी इतनी जल्दी हो। हाँ, लेकिन अब हमने तो शादी कर ली है ना, तो उन्हें मान जाना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए, नहीं? कर लेंगे, वक्त के साथ साथ, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, मैं बनाऊं कंगन तुम्हें? मैं बनाता हूँ। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू, तेरे नाम से जुड़ जा मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैं तो दिल रहूं तो तेरा दिल चले, मैं कहूं तो फिर तेरी शाम हो, रहे आंखों में तू ही सार में, रहे आंखों में तू ही सार में, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं। कितना खूबसूरत लग रहा है तुमसे ज्यादा। भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे शौहर की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अब तुम इस तरह गुस्सा करोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? यही चाहती हूं मैं कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएं। जाना तो पड़ेगा, मेरी नौकरी का सवाल है। चला, वरना मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के ना जाता। उजाला, अच्छा इधर आओ, इधर बैठो। पता है मैं हमेशा तुम्हें एक बात बताना चाहता था लेकिन कभी शेयर नहीं की। मैं उन लोगों का डॉक्टर बनना चाहता था जिनके पास कोई डॉक्टर नहीं, उन लोगों का इलाज करना चाहता था जो बेबस अपनी बीमारियों से लड़ते रहते हैं। मेरा मिशन था ये, और उजाला तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए इस मिशन में। किस तरह से साथ दूं? कौन सा आप मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं?
उजाला, अगर तुम्हारी तबीयत ऐसी ना होती तो तुम्हारे बगैर जाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और वो वैसे भी चंद दिनों की बात है, उसके बाद जहां तुम वहां मैं आपके बगैर अकेली कैसे रहूंगी, सोचे तो सही। मामा पापा हैं यहाँ पर, तुम्हारे अपने अम्मी अबू भी यहीं रहते हैं, अगर तुम कभी भी उदास हुई तो उनकी तरफ चली जाना, वैसे भी तुम अकेली तो नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारे साथ हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे दिल के बिल्कुल पास। अच्छा थोड़ा सा मुस्कुरा दो प्लीज, प्लीज थोड़ा सा। अच्छा मैं कपड़े निकाल रहा हूँ, तुम मेरी पैकिंग कर देना। हेलो, कैसी हो? बहुत उदास हूँ। अरे आज ही तो मैं आया हूँ और तुम उदास भी होगी, इतने दिन कैसे गुजारोगी मेरे बगैर? मैं यही सोच रही हूँ, फिर आपके बगैर दिल नहीं लगता। मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन आदि आजा यार, सब लोग आए हुए बाहर। हाँ आ रहा हूँ, जल्दी आजा। कोई आया है? हाँ मेरा रूममेट था, उसने एक गेट टुगेदर रखी है मेरे आने की खुशी। आज ही? हाँ आज ही। असल में मेरा जो रूममेट है बहुत पुराना दोस्त निकला मेरा, मैं तो उसे देख के परेशान हो गया। हेलो फाहद। हेलो मैं तुम्हें करता हूँ फोन। हेलो गाइस, आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, ये है मेरे दोस्त डॉक्टर फाहद, ये सब गेट टुगेदर इन्हीं के लिए रखा गया है, और ये है डॉक्टर, नहीं इधर से शुरू करते हैं, ये है डॉक्टर दुआ, इनसे मिलिए। फहद तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? हाथ उठाओ। आप भी दुआ? That's great. और ये है डॉक्टर अलीना, इनसे मिलिए। और ये है डॉक्टर बुशरा, इनसे मिलिए। डॉक्टर फहद। और ये है डॉक्टर बशीर। डॉक्टर बशीर। और ये है डॉक्टर सोबिया। हाय। आओ ना पीछे ले। आओ सारे पीछे ले।
बताओ जाला, क्या हुआ? खैरियत है? इस टाइम पे कॉल कर रही हो, कोई मसला तो नहीं? उजाला क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, तुम रो क्यों रही हो? किसके साथ है आप इस वक्त? बताओ तो सही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? मैंने पूछा किसके साथ है आप इस वक्त? अपने दोस्त के साथ। दुआ को भी तो आप अपना दोस्त ही कहते हैं ना? क्या दुआ? हाँ, बाप अंकल आंटी की तरह कह दे, आपको तो पता ही नहीं था कि वो भी वहां पर मौजूद है। हाँ, दुआ यहाँ पर है, लेकिन मुझे आने से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि दुआ यहाँ पर होगी। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है, अगर तुम नहीं मानती तो। उस रात जब दुआ जा रही थी, मैंने आपसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है, याद है आपने क्या कहा था मुझे? मुझे कुछ याद नहीं है उजाला, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। ओके, मेरी नींद उड़ चुकी है यहाँ पर और आपको सोने की पड़ी हुई है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या नहीं है? तो फोन बंद करो, मुझे तैयार होना है अभी थोड़ी देर में, मैं पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहता। ओके बाय। उजाला क्या हो गया तुम्हें? तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आप नहीं जानते, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अकेली? भाई मामा पापा है वहाँ पर, तुम उनके पास जाके बैठो। हाँ, और आप चाहे दिन भर मुझसे बात न करें, है ना? मैं यहाँ पे सारा सारा दिन मेडिकल कैंप्स में होता हूँ, जहाँ पर मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता। उजाला, किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी तो अपने अम्मी अबू से बात कर रहे थे आप। वापस आके सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। आपको चाहिए मैं जिस वक्त आपको कॉल करूं उसी वक्त रिसीव करें। उजाला प्लीज, मैं इस रवैये का बिल्कुल भी आदी नहीं, मुझे मत गाइड करो कि मुझे किस वक्त क्या करना है। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम भाभी से बात कर रहे हो। मेरे कुछ दोस्त आ गए, मैं तुम्हें ठहर के कॉल करता हूँ। तुम बात कर लो, हम बाहर चले जाते हैं। ये किसकी आवाज थी पीछे? कौन था पीछे आपके अभी? कैसी 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 आवाज?
मैं सब समझती हूँ। ये दुआ है ना पीछे? देखो मेरे कुछ दोस्त आए हैं यहाँ पे, और दुआ क्यों आएगी यहाँ पे? उसका क्या काम है यहाँ पे? ये भी मुझे बताना पड़ेगा ना कि वो क्यों आएगी यहाँ पर। मैं सब समझती हूँ। देखो तुम मेरी चाहत को मत आजमाओ, समझी तुम? हेलो हेलो हेलो, सूप तैयार है। मैंने सोचा जब तक इमरान नहीं आता कॉफी पी लेते हैं। श्योर, थैंक यू। इमरान पता नहीं आया नहीं अभी तक। डरो नहीं, अब कोई पिक्चर्स अपलोड नहीं करेगा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वैसे डर तो लगता ही है ना कि मोहब्बत पे कोई आंच ना आ जाए। इसे कितनी मोहब्बत करते हो उजाला से। फहद, फहद तुम ठीक हो? देखिए लगी तो नहीं। तुम ठीक हो? यार आर यू ओके? उजाला आओ बैठो। आपने दुआ को जानबूझकर भेजा था ना वहाँ, क्योंकि आप जानती थी कि फहद भी जाने वाले हैं वहाँ पर। क्या फहद वहाँ पर क्या हुआ है? यानी आपको मालूम ही नहीं है कि आजकल आपकी बेटी मेरे शौहर के साथ है। शट अप। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद फोन करके पूछ लें। मैं अभी दुआ को फोन करके चेक करती हूँ कि तुम्हारी बात पे कितनी सदाकत है। दुआ, वहां से तुम्हारी मुलाकात हुई है? तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और उजाला ने मुझे बताना बहुत जरूरी समझा है। खैर जो भी हुआ, बेहतरी इसी में है कि तुम फौरन वापस आ जाओ इससे पहले के हालात मजीद खराब हों। उसको नहीं पता था कि फहद वहां पर है। वो तो इत्तेफाक से उन दोनों के कॉमन फ्रेंड वहां पर मौजूद था जिसने। पर जो भी था, अगर दुआ के दिल में चोर ना होता तो वो आपसे जिक्र जरूर करती। उससे कह दे कि वो वापस आ जाए वरना अच्छा नहीं होगा। जा रही हो तुम? आज भी तुम्हारी खातिर मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। मेरी खातिर? मॉम ने कहा है घर आ जाओ इससे पहले कि तुम्हारी बीवी कोई फसाद ना खड़ा कर दे। I'm really sorry. क्या मैं इतनी बुरी थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया? हम तो दोस्त थे ना, मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है? मैं भी तुम्हें भूलना चाहती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने मुझे भुला दिया। मैं मानती हूँ मैं बदतमीज हो गई थी, गुस्सा किया तुम पर, बस अपना हक समझा मैंने फहद। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम किसी और को चाहो। मेरा तरीका गलत हो सकता था लेकिन मेरी मोहब्बत गलत नहीं थी फहद। वैसे भी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है,
लेकिन जब तन्हा बैठकर सोचती हूँ तो अपना आप गुनाहगार लगता है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत कांटा बनके मेरे दिल में चुभती है, बेबस हो जाती हूँ मैं। खैर मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना फहद, अपना ख्याल रखना। हेलो, दुआ के घर क्यों गई थी तुम? फहद मेरी बात सुन, एक औरत को पूरा हक होता है कि वो अपने घर की और अपने शौहर की हिफाजत करे। ये बात तुम पहले भी कह चुकी हो। देखो एक चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ, जिस औरत को अपने शौहर पे यकीन नहीं होता ना, वो ऐसी स्टूपिड हरकतें करती है, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी आपका दुआ से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप भी वादा कर ले मुझसे, ना आप उससे बात करेंगे और ना ही उससे मिलेंगे। मैं भी वादा करती हूँ, जो आपको मेरी स्टूपिड हरकतें और बातें लगती है ना, नहीं करूंगी मैं। तुम मेरी समझ से बाहर होती जा रही हो, यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम मामी जान, वो रजा के लिए नाश्ता बना रही थी। इन खुले बालों से नाश्ता बनाओगी तुम? तुम्हें कोई जरूरत नहीं किचन में आने की, सुना तुमने? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रजा सिर्फ मेरे हाथ का बना नाश्ता करता है। वो रजा ने ही कहा था नाश। मैंने तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए कहा था। वो नहीं बेटा, मैं बना रही हूँ ना तुम्हारे लिए नाश्ता। नहीं अम्मी रहने दे, सारी उम्र अम्मी ने नाश्ता बनाया, अब तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं? चलो अपनी जिम्मेदारी संभालो, अम्मी आए, हम मॉर्निंग शो देखते हैं। अरे बेटा आज ही बना लेगी।
कहाँ हो, फोन रिसीव नहीं कर रही हो। महबूबा आ गई है तो मेरी बहुत याद आ रही है। दुआ ये देखिए, क्या
मेरा ख्याल है कि किसी परिंदे की चोंच से गोश्त का टुकड़ा गिर गया इधर। ये साफ पता चल रहा है किसी इंसान ने फेंका है। बेटा कौन फेंकेगा? उष्णा, उष्णा। बेटा अब तुम डरो मत, ये यकीनन किसी परिंदे ही का काम है। बेगम साहिबा, सुइयां और इतनी बड़ी कलेजी का टुकड़ा, ये किसी परिंदे का नहीं इंसान का काम है। अच्छा तुम जाओ, जाके कुछ चीजें लेके आओ, इसको फौरन उठाओ यहाँ से, जाओ। जी बेगम साहिबा। आओ दुआ, अंदर चलते, आओ आज। छोटी बीबी, छोटी बीबी कोई काम है क्या? हाँ वो सर में दर्द हो रहा था, दवाई चाहिए थी। वो तो जी किचन में पड़ी है। तो फिर कमरे में ले आओ, ऊपर चाय के साथ लाना। अच्छा ठीक है। जी आंटी, बुलाया था आपने? बैठूं? नहीं ठीक हूँ, कोई काम था। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? यास्मीन बता रही थी तुम आज फिर मेरे कमरे में मेडिसिन लेने गई थी। वो सर में दर्द हो गया था। अब दर्द कैसे? अब ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो मुझे बता देना। जी। अभी डिलीवरी में दिन है तुम्हारे, इसलिए आराम किया करो। जी। मुझे समझ में नहीं आता है फहद, आखिर आंटी मुझसे चाहती क्या है? जिंदगी तंग करके रख दी है मेरी। ओहो, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी माँ के खिलाफ कैसे बात कर लेते हो। माँ है मेरी, उनकी इज्जत किया करो। कैसे इज्जत करूं बताओ? आज मेरे सर में दर्द था, दवाई ढूंढने के लिए उनके कमरे में चली गई, लेकिन दरवाजा लॉक था। मुलाजिम ने देखा और झट से शिकायत लगा दी कि मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि दरवाजा लॉक होना ही नहीं चाहिए, दूसरी बात ये कि मुलाजिम को क्या जरूरत पड़ी थी कि शिकायत लगा दे। तुम ख्वामख्वाह शक कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या ये शक की बात नहीं है? उन्होंने लॉक क्यों लगाया? भाई घर में नौकर चाकर होते हैं, जब मामा जाती होंगी तो लगा देती होंगी लॉक। इससे पहले तो कभी नहीं लगाया, जब सारा घर मुलाजिमों के सर पर छोड़कर जाया करती थी। इसका मतलब मुझसे ज्यादा भरोसा मुलाजिमों पर है ना उनको। तुमने पहले भी कभी देखा था कि दरवाजा लॉक है या खुला हुआ? हाँ, नहीं मैं क्यों देखूंगी, नींद आ रही है, बाद में बात करती। ओके बाय। अकेला बहन का फोन। स्पीकर ऑन करें। मुबारक हो भाई साहब, अल्लाह ने बहुत प्यारा सा बेटा दिया है। बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें मुबारक हो सलीमा। आज ही हॉस्पिटल से आए हैं, लीजिए बात कीजिए अरूज से। ये लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरूज मम्मी। अरूज बेटा कैसी हो? अरूज बेटा, अरूज बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी अब्बू सब ठीक है।
आपकी और अम्मी कितने दिनों बाद आवाज सुनी है ना, तो आंसू आ गए। और बेटा मुन्ना कैसा है, किस पर गया है? तो बच्चा मुन्ना तो बिल्कुल अपने मामू पर गया। जब इसको गुस्सा आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे छोटा रजा मेरी गोद में। अरे खून तो फिर खून होता है ना बेटा। अरे क्या नाम रखा है मुन्ने का? अबू सरमत ने मुन्ने का नाम अरीश रखा है। अरीश, वही माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम रखा है उसने। अच्छा हमें अरीश की तस्वीरें तो भेजो बेटा। हाँ अरीश सरमत की तस्वीरें। जी जी मैं आपको कल सुबह व्हाट्सएप करती हूँ। लाओ बात कर। अच्छा भाई साहब फिर बात होती है, अरीश ने अपनी मामा को बुला लिया है। अच्छा अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज भी ट्यूसडे है, लास्ट ट्यूसडे भी ऐसा ही हुआ था। आप सही कह रही थी, किसी ने कुछ करवाया है, कोई मुझे मारना चाहता है। नहीं मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चा, ये सब उजाला करवा दिए, वो चाहती है मुझे मारना, वो मुझे मारना चाहती है। दुआ बेटा, बेटा बिना देखे किसी पे शक नहीं करते। शक नहीं है मम्मा, लास्ट ट्यूसडे भी यही हुआ था। अच्छा दुआ, अगर तुम्हें शक है ना तो अगले मंगल को मैं मुलाजमों की ड्यूटी लगा देती हूँ, बल्कि हम खुद उनके साथ जागेंगे और देखेंगे कि ये काम कौन करके जाता है। ठीक है, अब तुम बिल्कुल परेशान नहीं। तेरे इश्क में देखिए ये सारा ब्लड भी पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? बच्चों की वजह से कैसे कैसे दिन देखने पड़ गए। मुझे तब दुआ ने पहली बार बताया ना तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर इसने खुद उजाला को देखा और आज रात को तो हम सब ने देखा है। अब क्या होगा मेरी जान? कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ रिलैक्स बेटा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, परेशान ना हो ठीक है। Thank you.
उजाला आज फिर सर दर्द की मेडिसिन चाहिए तुम्हें? ऐसे घबरा क्यों गई हो? जैसे चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी, आपको ही देखने आई थी। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज घर पर हूं मैं? टेरिस से गाड़ी देख ली थी आपकी। अच्छा, आजकल टेरिस पर ज्यादा नहीं जाने लग गई तुम? जी, वो बड़ा अच्छा लगता है टेरिस पे खड़े होके, अच्छी हवा चल रही होती है। ये क्या, सच बताओ क्या कर रही थी तुम? मामी जान, आपका कमरा साफ कर रही हूँ। इसमें तावीज रखा है ना तुमने? तावीज? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम इसमें तावीज रख रही थी। नहीं मामी जान, मैंने कुछ नहीं रखा है। मेरे साथ ज्यादा जबान मत चलाना। आप खुद देख लें। पहले तुम रजा को तावीज पिला पिला कर उल्लू बना चुकी हो, अब तुम मेरी दुश्मन बन रही हो। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? निकलो यहाँ से। निकलो, मैं तुम्हें अब इस घर में एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कर क्या रही है मामी जान, आप देख ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चलो निकलो। मामी जान, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मामी जान, रजा को बुलाए, उसके सामने बात होगी। उसका सामना तो तुम्हें कयामत तक नहीं करने दूंगी। चलो मामी जान, कयामत तक का इंतजार मत करे। देखो मरियम, ये ड्रामेबाजी बंद करो, और ज्यादा ऊंची बोली ना तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। आप चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे इस घर में रजा लेकर आया था, और जब तक वो मुझसे नहीं कहेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। यास्मीन, तुम इधर आकर मैट्रेस के नीचे देखो, इसके नीचे देखो, इन तकियों के बीच में भी चेक करो, निकाल दो तकिया, निकालो। अच्छी तरह चेक करो, अतिया, कुछ नहीं होगा इसे, कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ हो गया, फहद को कुछ हो गया तो? भाई तुम भी तो डॉक्टर हो ना, ट्रीट कर लेना हमें। साहब जी, जादू का तोड़ जादू से होता है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। यास्मीन, तुम इन तकियों के बीच में चेक करो, इस मैट्रेस के नीचे देखो, इधर आओ। ये शीट भी उठाओ, इन तकियों को निकाल दो बीच में से। अच्छी तरह चेक करो, अम्मी आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मरियम ने तावीज रखे हैं? देखो, अगर तुम यही समझती हो कि इसने तावीज रखे हैं तो तकिया देख लो। मैंने भी मामी जान से यही कहा था। मैं नहीं मानता कि मरियम ऐसा कर सकती है। तुम क्यों मानोगे भाई, तुम पर तो इसके जादू का असर हो गया, उल्लू बना दिया तुम्हें इसके तावीजों ने। मामी जान, आप तकिया जाके चेक कर लें, अगर आपको उसमें से तावीज मिल जाता है तो आप जो सजा देंगी मुझे कबूल होगी। क्यों, मेरी जबान पे भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे तुम झूठे इल्जाम लगाती जाओ और हम सच समझे, नामुमकिन है। मामी जान, आप चल के खुद देख लो। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो चलो फिर दिखाती, आओ। अभी हो जाता है दूध का दूध, पानी का पानी। मैं नहीं देखती, आओ इधर, खुद देखो, आओ। ये तो सिला हुआ है। हाँ तो मैंने तो नहीं सिया, ये बंद किया गया है, खोलो इसे।
ये क्या है मरियम? कसम ले ले मुझसे रजा, ये तावीज मैंने नहीं रखा है। सबूत तुम्हारे सामने है। मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार नहीं है, मैंने नहीं रखा है। चोरी पकड़ी जाए ना तो सब ऐसे ही कहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दूसरा तकिया भी देख लो। इसमें कुछ नहीं है अबू। मौका जो नहीं मिला, मैं आ गई थी। मरियम अपना सामान पैक करो। मगर क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे तावीज निकला मेरे तकिए से, आपने अभी देखा है, और मैंने अपनी आंखों से देखा था इस लड़की को तावीज रखते हुए। अब मतलब समझ में आ गया? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? रजा मेरा बेटा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी लड़की को घर में रखना चाहिए या नहीं। बस एक आप ना समझे, सारी उम्र बहन की गुलामी में काट दी आपने। मरियम मैंने तुमसे कुछ कहा है? कब आओगे? अब तो लगता है साल नहीं, सदियां बीत गई हैं तुम्हें देखे हुए। तुम वीडियो कॉल कर लो और अभी देख लो अपने फाद को। नहीं, वीडियो कॉल नहीं, मैं तुम्हें अपने सामने बैठा देखना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों की पुतलियों में अपना अक्स देखना चाहती हूँ। सो बहुत उदास हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, कल तक तो बहुत ज्यादा नाम उठा तुम्हारा, फोन भी नहीं सुन रही थी मेरा। वो भी मेरी मोहब्बत का एक अंदाज था। वो कैसे? नजर अंदाज करने में कैसी मोहब्बत? तुम नहीं समझोगे। तो तुम समझा दो मुझे। बाहर मेरी याद नहीं आती? बहुत याद आती है, तुम भी और वो भी जो हमारी मोहब्बत का गवाह है। अगर उसने आने की नवीद ना सुनाई होती ना, तो तुम इस वक्त मेरे घर में ना रह रही होती मलका बन के। मैं खुद भी बहुत उदास हूँ। मामा की भी दो बार कॉल आ चुकी है और वो भी ये चाह रही है कि डिलीवरी का वक्त करीब आ चुका है, तो मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। मुझे बेसब्री से इंतजार है उस वक्त का। I'll see you soon. क्या हुआ है मरियम बेटा, बात बताओ तो सही, हुआ क्या है? पुप्पो, मरियम कुछ दिन आपके साथ रहेगी। मगर क्यों? ये तो आप इसी से पूछे। मैं इसको बस यहां छोड़ने आया था, मेरा बाहर जाने का प्लान हो रहा है, तो जैसी हो जाएगा मैं इसको साथ ले जाऊंगी। पुप्पो, मैं मरियम को और दुख नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं इसके साथ ज्यादती हो रही, लेकिन अम्मी तो अम्मी है ना, कितना उलझू उनसे, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि इसको साथ लेके निकला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। पुप्पो, अम्मी का ख्याल है, बल्कि गलत फहमी है कि मरियम ने उनके तकिए के अंदर तावीज रखे हैं। और अम्मी उनके तकिए में से तावीज निकला भी है। क्या? पुप्पो, बस कुछ दिन मरियम आपके साथ रहेगी, चलता हूं। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मरियम बेटा, बैठो बैठो, आराम से बैठो। मुझे मुझे बताओ तो सही, मसला क्या है? कुछ नहीं किया अभी। अरुज? अबू, अबू। अरुज बेटा, अबू क्या हुआ? अरे बेटा बताओ तो सही, तुम अकेली क्यों आई? अरुज, अम्मी, अम्मी, अम्मी। अरुज क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से अचानक, क्या हुआ तुम्हें? परेश कहाँ है? सरमत के पास। अरुज, रजा, अरुज अगर तुमने आना था तो बता देती, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाते। अपने घर ही तो आना था। मेरा भांजा कहाँ है? वही आंटी के पास। क्या मतलब? जरा भी ख्याल नहीं आया आपको
आपने मेरी बेटी को इस तरह भेज दिया? अगर तुम्हारी बेटी हफ्सा होती तो क्या उसके साथ भी यही सलूक करती तुम? देखे भाई साहब, अगर मेरी बेटी ऐसी होती जैसी अरूज है तो पहले मैं उसका इलाज करवाती। क्या इलाज करवाती उसको? अरे स्पीकर ऑन करें। जी इलाज, अरूज को माहिर नफ्सियात की जरूरत है। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी बेटी नफ्सियाती हो गई है, वहम हो गया उसको कि किसी ने उस पर जादू कर दिया है। देखे भाई साहब, हम जिस जगह रहते हैं वहां ना जादू होता है ना कोई वार होता है, सब अपने में मगन रहते हैं। बेटा हुआ तो किसी को देखने नहीं दिया कि कोई कुछ कर ना दे, तो फेड अप हो गई उससे। मैंने बड़ी मुश्किल से सरमत को शादी के लिए मनाया था, वो भी जिच हो जाता है इससे, कई कई दिन घर नहीं आता वापस। और मेरा बेटा रीश, उसे भी आप लोगों ने रख लिया, इतना बड़ा जुल्म। अगर वो तुम्हारे साये में रहा तो तुम इससे भी बड़ा जुल्म कर दोगी, उसको अपने जैसा पागल बना दोगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। ये क्या कह रही हैं आप? छोटा सा बच्चा माँ के बगैर कैसे रह सकता है? उसकी फिक्र ना करें, मैं पाल लूंगी। ये लंदन है और हरीश ब्रिटिश नेशनल है, उसकी जरूरियात पूरी करना कोई मुश्किल नहीं। लेकिन भाईजान मुझे आपसे गिला है, आप तो समझदार हैं। आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं समझाया कि जादू टोना कुछ नहीं होता, उसने इखलाक से किस्मतें बदल जाती हैं। लेकिन उसने तावीज आजमाई अपनी मोहब्बत में। मेरा मुंह मत खुलवाओ अकेला, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुमने मेरी बच्ची पर जादू टोने का इल्जाम लगा दिया, और जब तुमने मेरी बेटी का हाल किया, अरे नौकरों से बदतर सलूक किया तुमने मेरी बच्ची के साथ। मैं हरीश की दादी हूँ भाई साहब, आपको क्या बताऊँ, कितनी दुआओं के बाद अल्लाह ने मुझे दादी कहने वाला दिया है। लेकिन माँ से बच्चे को जुदा करना, और वो भी चंद दिनों के, तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? आप समझ नहीं रही हैं सीमा बहन, मुझे भी फिक्र है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं आप ही की कॉल आई थी, वो बहुत रो रही थी, परेशान थी, तो इसलिए निकल के आई हूँ। मामा को बताया था? सॉरी बताना भूल गई, जल्दी में थी, तो मैं अभी कॉल करके बता देती हूँ। तुम्हें पता है मामा तुम्हें लेके किस कदर परेशान है? उनकी अभी कॉल आई थी, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी ये नासमझ तबीयत। खैर उनको अभी कॉल करो और बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो, ठीक है? अभी बताती हूँ। याद से, ठीक है? ओके बाय। मैं बर्बाद हो गई, मुझे अल्लाह में बर्बाद हो गई। घर से निकाल दिया कमबख्तों ने। कमबख्त वो नहीं, कमबख्त तो मैं हूँ, बख्त तो मेरे खराब है। अल्लाह ना करे तुम्हारे बख्त खराब, उनकी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूँ। जा रही हूँ मैं लंदन, या तो तुम बस जाओगी या अपने बेटे को लेकर वापस आओ। ये क्या है? ये क्या है? जाती हूं मैं जहारा के पास, बर्बाद कर दूंगी, निस्तो नाबूद कर दूंगी मैं इन लोगों को। एक कमल की मार है, जला के राख ना कर दिया तो मेरा नाम भी सलीमा नहीं। कोई फायदा नहीं अम्मी, कोई फायदा नहीं। आपने तो हमेशा कहा है कि तावीज गंडों में बड़ी ताकत होती है। आंटी तो कहती हैं ये शिर्क है, आप कहती हैं अमल से सारे काम हो जाते हैं, और आंटी कहती हैं मैं रास्ते से भटक गई हूं,
अम्मी अब आप ही बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। आपकी बेटी किनारे पर खड़ी है, कहां जाए? आपकी सुने या फिर आंटी की माने? शक तो मुझे पहले ही था, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। क्या देख लिया? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, सब देखा है मैंने। भाई कुछ पता तो चले क्यों गुस्सा कर रही है। ये क्या फेंका था तुमने? कुछ भी तो नहीं फेंका, मेरी टो में लगी हुई थी। मैं फाहद को बताऊंगी कि मेरा जीना मुहाल किया हुआ है आप लोगों ने। जब तक फाहद घर नहीं आता ना, तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ, बस। और कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम्हें। इम्पॉसिबल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे यहाँ से निकालता है। ठीक है, फाहद को फोन करके सारी सूरत हाल बता देती हूँ, फिर जो वो फैसला करेगा। ठीक है, आप क्या फोन करेंगी? मैं फाहद को खुद फोन करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि झूठे इल्जाम लगा के मुझे घर से निकालना चाह रही हैं आप। झूठे इल्जाम? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम कुछ फेंक रही थी और फिर भी तुम मुझे झुटला रही हो। हाँ तो वो सदके के लिए फेंका था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो, आप कब आएंगे फाहद? आपने ये तो यहाँ पे मुझ पे बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म? मामा और पापा तुम पे जुल्म कर रहे हैं? मुझ पे तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, वो मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम रोना बंद करो और बात बताओ मुझे, क्या हुआ? पता है क्या कहते हैं मैं जादू करती हूँ। क्या क्या कह रहे हैं वो तुम्हें? जादू, दोनों यही बात कह रहे हैं। लेकिन मुझसे तो कभी नहीं कहा उन्होंने कि ऐसा कुछ करती हो तुम। आपसे नहीं कहा लेकिन मुझसे तो कहा है ना। इस घर में क्या इज्जत है मेरी, मुझे बताएं। आप वापस आए मुझे नहीं पता, मुझे कमरे में बंद कर दिया है आंटी ने। किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है मुझे। मुझे अगर कुछ हो गया तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। मैं उनसे बात करता हूँ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कोई फायदा नहीं है, मुझे ही गलत कहेंगी वो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। आपकी लंबी जिंदगी और सेहत के लिए सदके का गोश्त फेंक रही थी, कहने लगी मैं जादू। तौबा। अच्छा आप खामोश तो हो जाओ तुम। ये फाहद का फोन है। नहीं मुझे दे, मैं खुद बात करती हूँ उससे। आराम से प्लीज, आराम से। हेलो। सॉरी मामा, मैंने इस वक्त कॉल किया आपको, आप आराम तो नहीं कर रही थी? आराम? तुम्हारी बीवी ने आराम के काबिल छोड़ा होगा तो आराम करूंगी ना। मामा मेरी बात तो सुनिए आप। कहो। वो उजाला का फोन आया था, उजाला बता रही थी। हाँ उजाला ने ये बताया होगा ना कि हम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जादू करती है ना। मामा ये किस तरह बात कर रही हैं आप? पागल होगी ये तुम्हारी माँ। गॉड से
बेटा हमारे कमरे में से ढेरों ताबीज निकले हैं, तकिए के नीचे से, बेड के नीचे से, और तुम समझ रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा मामा? देखो फाद बेटा, मैं उसका वजूद एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ है, न जाने कौन से जंतर मंतर कर रही है अंदर। मुझे सुबह कमरे का लॉक तोड़वाना भी पड़ा ना, तो मैं तोड़वा कर इसको उसकी माँ के घर भेज दूंगी। हेलो पापा, पापा प्लीज आप मामा को समझाएं, वो ऐसा मत करें। बेटा तुम्हारी माँ का गुस्सा जायज है, उसने खुद देखा है उजाला को ये सब कुछ करते हुए। मुझे यकीन नहीं होता कि उजाला इस हद तक जा सकती है। ऐसा ही है। लेकिन क्यों, क्यों कर रही है वो ऐसा? ये तो भाई तुम खुद ही आके पूछ सकते हो। पापा मैं आ रहा हूँ वापस, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, उसको उसके घर मत जाने दीजिएगा जब तक मैं वापस ना आ लूं। मैंने टिकट करवा ली थी, लेकिन अब मैं जल्दी की टिकट करवा रहा हूँ ताकि मैं पहुंच सकूं जल्दी। ठीक है बेटा, जितनी भी जल्दी मुमकिन हो तुम आ जाओ। ओके पापा, और प्लीज आप मामा को समझाइए कि जरा तहम्मुल से काम। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। आपने सबूत मांगा था ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं इसकी मूवी बनाऊंगी, क्योंकि आपकी बहू तो हर मंगल को ये काम करने आती है। देखिए अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? रुबीना जी, आप इस तरह की बातों पर यकीन रखती है? कौन यकीन नहीं करेगा, कुरान पाक में है जिक्र, पर हक है जादू। बहन जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम किसी बुजुर्ग आलम से पूछ के इसका वो क्या कहते हैं तोड़ निकलवा लेते। रहने दीजिए भाई साहब, तोड़ करने वाला तो कोई मिलता नहीं। हाँ बर्बाद करने के लिए सब तैयार है। बहरहाल मैं किसी न किसी से बात करूंगा, आप भी होशियार रहिएगा। आपने मना किया है मुलाजमों को कि दरवाजा ना खोले? हाँ कहा है मैंने। ठीक नहीं कह रही हैं आप। सुना आपने मैडम क्या कह रही है? अच्छा नहीं कर रही, और जो कुछ तुमने किया है वो फहद को सब कुछ फोन करके बता दिया। क्या कह रही हैं आप मेरे साथ, किस तरह मुझे कैद कर दिया और किस तरह से जुल्म कर रही हैं आप मुझ पर। अच्छा किया कह दिया उसे, और भी जो दिल चाहता है उसे कह दू। अच्छा अब तो मैं आपको जाकर ही दिखाऊंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना फिर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। वापसी की उम्मीद न रखना। मुझे फाहद ने कहा है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम्हें इस घर से ना निकाला जाए। अब सोच लो तुम, जिसको तुमने हमारी शिकायतें लगाई उसने ये हुक्म दिया है, वो तुम्हारा शौहर बाद में और हमारा बेटा पहले है। तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं चाल चल रही हूँ या तुम? मुझे मालूम है तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रही हो, और अब तो फहद मुझसे बात भी नहीं करते। तुम्हारे अलावा कौन है मेरे खिलाफ उनको भड़काने वाला, उनके दिल में मेरी बुराइयां डालने वाला? हाँ तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर तुमने सबको मेरे खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया है ना, माफ तुम्हें मैं भी नहीं करूंगी। मैंने बहकाना शुरू कर दिया? तुमने सबको पागल कर दिया? तुम मेरे फहद को हत्याना चाहते हो ना? हेलो हेलो, मेरा फोन काट। बस ठीक है, सुबह मुझे ऑमलेट दे दीजिएगा या फ्राइड एग दे दीजिएगा। ठीक है चल आप जाइए।
करो। वहां तुम अपनी बीवी को समझाओ और उसे बताओ कि इंसानियत क्या चीज है। किसी पर तोहमत लगाना कितनी गलत बात है। क्यों, क्या हुआ? वो जो हरकतें करती है तुम उसके बारे में सब जानते हो। वो मुझे धमकियां दे रही है, उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे बुरा भला कह जाए। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, चंद दिनों की बात। इससे क्या फर्क पड़ता है, उसे जो करना था वो कर चुकी है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हारी बीवी जादू टोना करती है, हमारे घर पता नहीं क्या कुछ फेंका है उसने। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो रुको, मैं तुम्हें अभी सबूत भेजती हूँ। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैं जो दिल कहूँ वो तेरा दिल चाहे, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। रहे आँखों में तू ही सार में, रहे आँखों में तू ही सार में। कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ, तेरे बस में कुछ भी ना हो तेरा, तू वही करे जो बस मैं कहूँ। अरे रजा बेटा आओ, आओ बेटा, तुम्हारी माँ रात भर सो नहीं सकी, तुम्हारी राह देखती रही। अबू मेरी जॉब हो गई है, मैं और मरियम दुबई जा रहे हैं। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? आपको तो पता है कितनी कोशिश की है मैंने। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारी मां नहीं जान। मम्मी को भला इससे क्या दिलचस्पी है? आपसे मिलने के लिए आ गया, मरियम से शायद मम्मी मिलना भी नहीं चाहेंगी। सभी एयरपोर्ट ही जा रहे थे। बेटा मेरा उसे बहुत बहुत प्यार देना, मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ। चलता हूं। सुना था मांस नाखूनों से कभी अलग नहीं होता, लेकिन दुश्मनों ने वो भी कर दिया और तुमने भी अलग होते हुए एक बार नहीं सोचा? मम्मी मैं और मरियम आपके लिए बिल्कुल हम नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं। आपको अपनी बेटियां मुबारक हो, जिनके लिए आपने जादू टोने कर करके अपनी आदत भी खराब की, शायद उनकी। अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझे इल्जाम मत दो, मत दो रजा। ठीक, मुझे मेरी बेटियां अजीज हैं, लेकिन तुम तो मेरे इकलौते बेटे। कितनी दुआओं मन्नतों से तुम्हें पाया मैंने, और तुम बाप बेटा मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। चुपचाप मरियम से निकाह करके उसे घर लिया और मैं खामोश रही, और अब रजा तुम मुझे अकेला छोड़कर तुम इस तरह से जा रहे हो। और समी साहब, आपने भी जरा नहीं सोचा? मम्मी अगर आपको अब भी लगता है कि गलती मेरी है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर कभी मेरी याद आए तो बस तो आप क्या दुआ करेंगे? आपको क्या पता दुआ की अहमियत? आप बस अपने जादू टोने में रही, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं
दिन रात बहुत पछताएंगे। समीर क्या कह रहा है? उनसे क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए। आपको पता है मैं ये घर छोड़ के क्यों जा रहा हूं? क्योंकि इस घर में बहम पलते हैं। तुम परस्ती ने इस घर की जड़ें खोखली कर दी अम्मी, इसलिए जा रहा हूं मैं। अव्वल तो आपको मेरी याद आएगी ना, कभी मेरी याद आए ना तो मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। चलता हूं, खुदा हाफिज। महीनों के बाद देख रही हूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। काश तुमने मुझे कभी ना देखा होता और मैं कभी ना मिला होता तुमसे। ये क्या कह रहे हैं आप? हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हमने मोहब्बत की शादी की है दुनिया से लड़कर, दुनिया से छुपकर। बकवास बंद करो अपनी। मुझसे मोहब्बत नहीं की तुमने, अपने आप से मोहब्बत की है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिद था, अपनी ही जैसी जिंस को शिकस्त देने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए तुमने घटिया हथकंडे यूज किए। क्या कह रहे हैं आप? ये कैसी बातें कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। अच्छा, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हैं ना? मोहब्बत? क्या है ये सब? ये साजिश है, इन लोगों की सबकी साजिश है। आपको मेरे खिलाफ करना चाहते हैं, क्यों नहीं समझ रहे? बकवास बंद करो अपनी। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, आपसे तो सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ ना, आपकी कसम खाती हूँ, ये लोग आपको मेरे खिलाफ करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। मैंने तो बहुत मोहब्बत की है आपसे, आपको चाहा है, पूजा की है आपकी, इससे बढ़कर क्या होगा? ना ही तुमने मुझे चाहा है, ना ही मुझे पूजा, तुमने तो सिर्फ मुझे छीना है दुआ से। वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर गुस्सा हुई और मैं तुम्हारी तरफ खिंचा और तुम्हें यह लगा कि तुम्हारे तावीज गंडों ने काम करना शुरू कर दिया। तुमने जो अजियत हम सबको दी है ना उजाला, उसका अजाला कभी नहीं हो सकता। उस दुआ की वजह से आप कर रहे हैं ना मेरे साथ, क्यों कर रहे हैं? शट अप। तुम्हारी वजह से मैंने अपने वालदैन के साथ मुझे लगता था तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी खातिर मैंने सबके सामने स्टैंड लेके सबको खफा करके कोर्ट मैरिज की, गलत किया था, और तुम्हें यहां अकेला छोड़कर उससे भी बड़ी गलत की। सारे का सारा कसूर मेरा है, गलती मेरी, तुम्हारी झूठी मोहब्बत की पट्टी जो बांध रखी थी मैंने। लेकिन अब ऐसा नहीं, तुम्हें अभी ये लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे तावीज गंडों की वजह से तुम्हारी तरफ खिंचा चलाया। हाँ, ये
तावीज ही तो आपको मेरी तरफ खींच कर लाए, वरना आप कहां आते मेरे पास। मैं तुम्हें मैं वापस जरूर आया हूं, लेकिन अपनी मर्जी से वापस आया हूं तुम्हें यह बताने के लिए कि यह रिश्ता मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। अब तुम्हारे साथ एक पल एक लम्हा भी नहीं रहूंगा मैं। उजाला जी जी। अच्छा सन्नी साहब, सन्नी साहब। हाँ क्या हुआ? वो उजाला की सास का फोन आया था, वो अस्पताल लेकर गए अपनी उजाला को, बेटी हुई है माशाल्लाह। अरे ये तो खुशी की बात है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। हाँ रहमत तो होती है, लेकिन जहांरा ने तो कहा था कि बेटा होगा, लेकिन खैर शुक्र है उस जात का, उसने हमारी उजाला को साहिब औलाद तो किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अब हमने भी वहां पहुंचना है, जल्दी करो। हाँ बस एक मिनट। उजाला बैठी, ऐसे क्यों बैठी है? कोई नहीं आया क्या? उजाला क्या हुआ? ये इनके डिस्चार्ज पर है, डॉक्टर शायद पेमेंट कर गए, आप जब चाहें ले जा सकते। पापा कहाँ हैं? पापा अंदर हैं। आप अंदर नहीं जा सकते, पापा के मिलने का वक्त नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी सुनना है। चलें जी रुके। बीस साल हो गए मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए, लेकिन एक लम्हे का भी सुकून नहीं मिला। मैंने तुम्हारे लिए कितने चिल्ले काटे, कितनी मन्नतें मानी, कितने वजीफे किए, लेकिन तुम पर मेरा एक चिल्ला नहीं चला। मैं तुम्हारे इश्क में काफिर हूं, मुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। एक मुसलसल अजाब बन गए हो तुम मेरे लिए। मर क्यों नहीं जाते तुम? मर क्यों नहीं जाते? मर क्यों नहीं जाते? मर जाओ ना, मर जाओ। चार दिन रोकर सबर कर लूंगी मैं, सबर आ जाएगा मुझे, लेकिन नहीं नहीं, तुम मुझे मार कर मरोगे। क्या फायदा मेरे जादू का? हाँ क्या फायदा? मैं औरों को क्या शिफा दूंगी, क्या कर लूंगी उनके लिए, जब देखो मेरे अपने हाथ खाली हैं। मैं
मैंने जिसके लिए पूरी दुनिया छोड़ दी, पूरी दुनिया। उसने कभी मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। कभी कभी मेरे बाल ही नहीं सवारे। कभी कभी मेरे हुस्न के कसीदे ही नहीं पड़े। क्या मिला मुझे तुम्हारे इश्क में काफिर होकर? क्या मिला मुझे तुम्हारे इश्क में काफिर होकर? जाला, मैंने फैसला कर लिया है कि वाहन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। वाहन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दे। वाहन नहीं, इस तरह से नहीं करे। वाहन मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। तावीज जलाए, अमल किए, चिल्ले काटे, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरा रास्ता गलत था, लेकिन मंजिल तो तुम थे ना। मुझे माफ कर दे, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मेरी तुम जिद नहीं हो, मुझ पर यकीन करो। मेरी जिद नहीं हो, मेरी मोहब्बत हो तुम। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मेरी पहली और सच्ची मोहब्बत। मेरी बात का जवाब दो। आपके पैर पकड़ती हूँ, मत मानो इतने सख्त दिल, मुझे माफ कर दो। मैं मान रही हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी, काफिर हो गई थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। एक बार, बस एक बार माफ कर दो। एक बार से एक बार माफ, एक बार बस एक बार माफ कर दो ना प्लीज। अच्छा पैर छोड़ो, मेरा उठो। नहीं नहीं, मैं नहीं उठूंगी। नहीं नहीं, पहले मुझे माफ करो, माफ करो पहले। नहीं जाला, क्या कर रही हो तुम? मुझे पहले माफ करो। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मुझे माफ नहीं करोगे, मैं नहीं जाऊंगी। फहद, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे अंकल, बड़े गलत रास्ते का इंतखाब किया। काश मैं और उजाला जब कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे तभी समझ जाते कि बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। लेकिन मेरा इसमें कसूर सिर्फ इतना था कि मैं उजाला को समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि मुझसे प्यार करते, और इसके प्यार के आगे मैं बिल्कुल बेबस हो गया। खैर, मैंने एक फैसला किया, मेरी बेटी आपके पास है, मैं इसकी कफालत करता रहूंगा, लेकिन अब मैं ज्वाला के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तलाक के पेपर्स। तुम अमीरजादों के यही लक्षण होते, शादी करो और छोड़ दो। आंटी, मैं तो इससे प्यार करने लगा था,
पूरी जिंदगी इसे साथ निभाता, लेकिन आपने इसको जो कुछ सिखाया है ना वो दलदल, और जो इसमें एक दफा फंस जाता है पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता। काश आपने इसकी तरबियत में खिदमत का जज्बा रखा होता, काश आपने इसको मोहब्बत करना सिखाया होता, तो मेरा यकीन कीजिए पूरी जिंदगी इसको किसी जादू टोनी की जरूरत नहीं पड़ती। समी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये लो बेटा, ले जाओ इसे। ले जाओ इस बच्ची को। इस घर में इंसान नहीं वहम पाले जाते, अल्लाह पे भरोसा नहीं है, ईमान कमजोर है इन लोगों का, इसीलिए तो मैंने अपनी नवासी का नाम ईमान रखा। तुम बहुत अच्छे, इस बच्ची को किसी ईमान वाली अच्छी गोद में देना इसको, और इसे बताना कि अल्लाह एक है। समझाना इस मासूम बच्ची को कि जजा सजा जिंदगी मौत सब मेरे अल्लाह के हाथ में है, खुशियां गम सब अल्लाह के अख्तियार में है। बस ले जाओ। नहीं समझा, मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। हट जाओ। को ना गहरे कब्र में दफना दो, है ना, मेरी गुड़िया वापस आ जाएगी। हाँ। और फाहद भी वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे ना वापस। हाँ? वापस आ जाएंगे ना। हाँ? बोले ना वापस आ जाएंगे ना। हम तीनों खुशी से एक साथ रहेंगे। हाँ। और ना ये जो तावीज है ना, ये मैंने अपनी गुड़िया अपनी बेटी के लिए बनाया है, बहुत प्यारी है ना।
ना बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छी है, वो किसी की नजर ना लगे इसलिए ये तावीज बनाया मैंने उसके लिए। बेटा होश करो, बेटा होश करो, ये अपनी बेटी के लिए बनाया है। ये क्या कर रही हो तुम? वो दुआ है ना, दुआ बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है दुआ, तो मैंने फहद के लिए ये दो तावीज बनाए, ये दो तावीज बनाए मैंने अपने फहद के लिए। कुछ नहीं चाहता, ये कुछ नहीं है, नहीं उसे मुझसे छीन लेगा, नहीं करो, नहीं करो, नहीं। अपना वजीफे का टाइम हो गया, अमल 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 का टाइम होने वाला है, ये टाइम ना निकल जाए फिर वरना फहद और मेरी बेटी वापस नहीं आएंगे, ये टाइम हो गया। मेरा मुश्क तू ही आईना, तू ही रूबरू। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या कर रही हो? अम्मी, 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 अम्मी नहीं जलाना था, इस अमल का ये वक्त ही मेरी कुछ करना था, अम्मी अभी नहीं करना। एक तेरी चाहत है मौला और एक मेरी चाहत है, मैंने बहुत चाहा कि वो हो जाए जो मेरी चाहत है, और खुद को सुपुर्द न कर सका उसके जो तेरी चाहत है, तो तूने थका दिया मुझे उसमें जो मेरी चाहत है। मेरे मौला मैंने नाफरमानी की उससे जो तेरी चाहत है, मगर तू ही है जो बख्श दे मुझको वो जो मेरी चाहत है, क्योंकि होना तो वही है जो तेरी चाहत है। क्या ख्याल रखता बेटा, वापस खुदा फेस। मेरा फैसला जज्बाती नहीं है, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मैं फहद को एक बार गवा चुकी हूं, दोबारा खोने का हौसला नहीं है। मोहब्बत ये नहीं है कि मुश्किल में अकेला छोड़ दिया जाए,
मोहब्बत तो हर लम्हे साथ रहने का नाम है ना। आज से मेरी सारी तकलीफें तुम्हारी और तुम्हारा हर साथ मेरा। मंजूर, टिकट भी बुक करा ली है। अल्लाह तुम्हें हौसला दे, हिम्मत दे, खुश रहो, सलामत रहो।